कर देखने का ना, कितना चाहिए तुझे, क्या चाहिए ना तुझे, रुक, एक दो तीन चार, ये ले। भाई सुनना, ए भाई सुनना यार, इधर क्या है? हमारे ओनर का उस गुंडे सीनू के साथ लफड़ा हो गया यार, वो फिल्म का इंटरवल के बाद का डब्बा लेकर भाग गया है। ये बात अगर फैंस को पता लगी तो सोचे क्या होगा। ए, तू उसके लिए इतना घबरा क्यों रहा है? तू बस फिल्म स्टार्ट कर, रामाचारी उसे एंड करेगा। ए, बजाओ रे। सुनो रामाचारी, तुम कहां? ये क्या हुआ तुझे? किसने मारा? क्या हुआ? किसने मारा? कौन है? किसने मारा? किसने तुझे मारा? कौन है रे तू? बताएगा कौन है तू? फैन हूँ। क्या कहा? फैन है, फैन है तो थिएटर में जा, नाच गा, फोटो पे हार चढ़ा, दूध से नहला, यहाँ आकर पोज क्यों दे रहा है? असली फैन सिर्फ नाच गाना, फोटो पे हार और दूध नहीं चढ़ाते, अपने हीरो की तरह दुश्मन को खत्म करते हैं। ए, तू एक मामूली फैन है तो हीरो के माफिक डायलॉग बाजी क्यों कर रहा है? हर हीरो हीरो बनने से पहले वो भी किसी ना किसी का फैन ही रहता है। फैंस हाथ थाम ले तो वो स्टार है, हाथ उठा ले तो वार है। आ देख ले इस फैन में दम है कि नहीं, आजा। रुक। अरे यार इतना डरेगा तो पीछेगा कैसे बे? तू मेरा दोस्त है, थोड़ा जिगर रख ले। मेरे बाप तू जा, अगर मेरी माँ को पता चला कि मैंने तुझसे अब भी दोस्ती रखी है तो मेरा जीना हराम हो जाएगा। तू जा भाई। हाँ जा रहा हूँ, चल भाई, कल मिलते हैं। उस लोफर से दोस्ती ना रखने के लिए मैंने कितनी बार समझाया, तेरा फ्रेंड सर्कल ही बता रहा है कि तू किस राह पर जा रहा है। रामचारी पापा चले गए, उठ जा। पापा के स्कूटर का साउंड इसके लिए अलार्म है, उनके जाने के बाद ही तू उठता है। पापा जब सो जाते हैं फिर तू घर आता है। कई सालों से पढ़ाई नहीं कर रहा है, कैसे कैसे लोगों से तुम्हें मैंने लड़ते हुए देखा है, और पता नहीं क्यों बचपन से तुमने पापा को ही दुश्मन बना रखा है। मैंने उन्हें दुश्मन बना के नहीं रखा है, उन्होंने बनाया है। मैं जो भी काम करता हूँ उनको हमेशा गलत लगता है। तुझे वो जितना प्यार करते हैं उसमें से 10% भी अगर मुझे मिल जाए ना। हैरी पापा की कही हर बात मानता है, उनसे बिना पूछे एक कदम नहीं उठाता, ये मन लगा के पढ़ाई भी करता है, इसलिए वो इससे हमेशा खुश रहते हैं। और तू? मैं इसकी तरह नहीं रह सकता और कभी एक्सपेक्ट भी मत करना। ये फर्स्ट बेंच वाला है, मैं लास्ट बेंच वाला हूँ। इसे पता है एग्जाम में कैसे पास होना है, और मुझे पता है कि फेल होने के बाद कैसे जिया जाता है। हाँ। ये सॉफ्टवेयर है और मैं डोंट केयर हूँ। ये रीडिंग राइटिंग और बोरिंग है और मैं डेयरिंग डैशिंग और रॉकिंग हूँ। माँ अब मैं चलता हूँ। माँ जा जा, बच्चों खुश रहे और अपने बाप का नाम रोशन करना। माँ आज दिल कर रहा है कि मैं कॉलेज जाऊँ। जाऊँ क्या? इस महीने में रामाचारी पहली बार कॉलेज में आ रहा है। ढेर सा डोनेशन लेकर मैनेजमेंट ने इस कॉलेज को आवाराओं का अड्डा बना दिया है। पैसों को सबक सिखाने के लिए वो बिल्कुल सही है। क्या? आज वो हीरो कॉलेज में आया है, हमें कॉलेज छोड़ के जाना पड़ेगा।
उसे देखते ही वो आंखों में बस जाता है। जो लड़की उससे शादी करेगी वो बहुत ही लकी होगी। नमस्ते भाई। अबे कैसा है छोटे, और तेरे प्रिंसिपल श्रीनिवास मूर्ति की क्या हाल चाल है? पहले जैसे थे वैसे ही है भाई, आपका नाम लेके रोते हैं। 1972 से ही मुझे रामाचारी नाम से एलर्जी है, प्रॉब्लम है। उनके टाइम में वो रामाचारी और मेरे टाइम में ये रामाचारी। मैंने कहा ना कि मैं यार किसी भी तरह ये डोनेशन की बात तो बंद। निकल यहाँ से। मोबाइल आने के बाद तो सारे लड़के बिगड़ गए। भाई लड़के मोबाइल की तरह है और लड़कियाँ पानी की तरह, पानी में मोबाइल गिरे के मोबाइल में पानी गिरे, बिगड़ता मोबाइल ही है भाई। संस्कारी लड़की भाई, इसके चेहरे की रौनक तो देख। ऐसे लड़कियों के सामने सिगरेट पीना, सॉरी तुम दुखी मत होना। टेंथ फेल हुआ था तब भी तुम मेरे साथ थी, पीयूसी में 3 साल था तब भी तुम मेरे साथ थी, लेकिन ऐसी लड़कियों के सामने तुम मत आना। कॉलेज कहलाने के लायक नहीं भाई। एक जमाने में हर लड़की के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढा जाता था, लेकिन आजकल हमारे लड़के को एक अच्छी लड़की मिल गई तो उसकी किस्मत समझ लो। आजकल की लड़कियों से तो हमें ऊपर वाला ही बचा। सॉरी सॉरी प्लीज मेरी हेल्प करो, वो मैंने पीछे पड़ा है। दम लगाने के लिए दम है, उन्हें फेस करने का दम नहीं है। रॉन्ग, आज मेरा कॉलेज में फर्स्ट डे है इसलिए रैगिंग कर रहे हैं। जबरदस्ती सिगरेट पिलाई मुझे, यहाँ तक तो ठीक है पर अब वो हद पार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं उसे सबके सामने किस करूं। फिकर मत करो, बहुत दम है तुम में। जब इज्जत पर बात आती है तो लड़कियां भी शेरनी बन जाती है। ए रामाचारी, जिस मैटर में तेरा लेना देना नहीं है उसमें इन्वॉल्व मत हो। ये पूरा कॉलेज अपुन का इलाका है, तेरे लिए अच्छा होगा कि अपुन से पंगा मत ले और साइलेंटली निकल ले। सुना में तूफान और आंधी कभी कभार आती है, वो भी बिना बताए, लेकिन जब भी आती है तो इतनी जोर से आती है कि सब कुछ तबाह करके जाती है। यहाँ मेरा कितना जोर है तू नहीं जानता। मेरे आने से पहले यहाँ दूसरों का जोर चलता है, पर मेरे आते ही मेरा जोर चलता है।
पुलिस स्टेशन चल सर, मेरी कोई गलती नहीं है सर, ये लो। बेचारा बहुत अच्छा लड़का है, सिर्फ तेरी प्रॉब्लम की वजह से आज उसे पुलिस का डंडा खाना होगा। हाँ, उस लोफर के साथ ऐसा ही होना चाहिए, जैसी करनी वैसी भरनी। सर मुझे जाने दीजिए ना। ए, स्टूडेंट होकर पता नहीं कैसे रहना है, हाँ? पब्लिक के बीच में तुम लोग दंगा फसाद करते हो। तुम सबको पुलिस के चार डंडे पड़ेंगे ना, तब सही रास्ते पर आ जाओगे। सर आप मेरे रास्ते को समझ ही नहीं पा रहे हो। हाँ, तो तुम भी बता दो। मैं तो उस लड़की की हेल्प कर रहा था, आप चाहो तो उसे पूछ लीजिए ना। किससे? इससे? एक्सक्यूज मी सर, आपने गलत इंसान को पकड़ लिया। कॉलेज में वो लोग मेरी रैगिंग कर रहे थे, इन्होंने तो मुझे बचाया है। अब तो आपको पता चल गया ना कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है सर। थैंक यू, आपने मेरे लिए बहुत रिस्क उठाया। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो भी मैं ऐसा ही रिस्क उठाता। आप मुझे अपना फोन नंबर देंगे? ले लो, 9008190082। मिस्ड कॉल करोगी तो मैं उठाऊंगा नहीं, मैं साथ दूंगा सोचकर बेवजह लफड़ा करोगी तो मैं आऊंगा नहीं। उसके लिए पुलिस वाले हैं, 100 नंबर्स में डायल करना, वो सही एड्रेस पर पहुंच जाएंगे। तुम्हें पुलिस स्टेशन में ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए, जाओ। बाय। रामसी जी सर, उस लड़की के हिसाब से ये बिल्कुल बेकसूर है। जी हाँ सर। तो फिर इसके नाम से कंप्लेन क्यों दर्ज किया गया? मेरे खिलाफ किसने कंप्लेन लिखवाई है? शंकर जी ने लिखवाया सर। कौन है ये शंकर? उसे पुलिस स्टेशन बुलाओ। शंकर जी, उनको आने में आधा घंटा लगेगा, तब तक बिरयानी ऑर्डर कीजिए ना सर। इसने कॉलेज में हो रहे रैगिंग का विरोध किया, लड़का बहुत ही शरीफ है, अपना कंप्लेन वापस ले लीजिए। अच्छा ये बताइए, इसे आप जानते कैसे हैं? मेरे पापा है सर। भी ना, सारी दुनिया का कहां मानते हैं लेकिन खुद के बेटे का कहां नहीं मानेंगे। अरे मेरी किस्मत में पढ़ाई नहीं लिखी है तो इसमें मेरी क्या गलती? बेटा गलती करता है तो पापा उसे डांटते हैं, लेकिन ये तो दूर भागते हैं। नमस्ते। अरे तू तो फिर जाकर ज्वाइन हो गया, सैलरी बढ़ा दी ना इसलिए। भाई साहब आपको आए कितनी देर हो गई? काफी देर से आया हूँ, हम बाद में बात करेंगे, मैच बहुत इंटरेस्टिंग है। गीता बेटा, गीता बेटा, जरा 2 कप स्ट्रॉन्ग कॉफी लेके आ बेटा, बहुत टेंशन वाला मैच है। ठीक है। शक्कर जरूर डालना। कोई जरूरत नहीं है, आपका शुगर 240 और बीपी 120 है, 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है। ए शक्कर मत डालना। ठीक है। ए रामाचारी तू कहाँ जा रहा है, यहाँ पे बैठना, इंडिया जीतेगा ना। पक्का। तू कहाँ चला, तू बैठा रहेगा तो इंडिया जीत जाएगी, तू यहीं रह। अब 2 बॉल बाकी हैं और 6 रन चाहिए। जीतेंगे अंकल। बोला था ना अंकल। अरे वाह। गीता कैसी है भाई साहब? अच्छी है बेटा, वो भी मेरा ख्याल रखती है, स्टडी भी करती है, दोनों काम में अव्वल है मेरी बेटी। हाय, कैसे अंकल? अब मैं ठीक हूँ बेटा, कॉन्ग्रेट्स, प्रमोशन मिला है ना तुझे? जी अंकल। हैरी को आपने ही पढ़ाया है इसलिए इतनी अच्छी नौकरी मिली है उसे, हमारी जिम्मेदारी भी हैरी ने उठा ली है, आपका एहसान हम कभी नहीं भूल सकते। रिश्तेदारी में एहसान कहाँ होता है, इनमें और मेरे बच्चों में क्या फर्क है, दोनों तुम्हारा नाम रोशन करेंगे। नाम तो जरूर रोशन करेंगे, लेकिन वक्त ही बताएगा कि अच्छे के लिए या फिर बुरे के लिए। दिव्या देखो, शूट मत करो प्लीज।
डिलीट मारो। तो 500 रुपए लगेंगे। 500 रुपया? पुलिस वाले भी तेरे जैसे नहीं है, 100 रुपए में सेटलमेंट कर लेते हैं। ये ले ब्लैकमेलर। वापस लौटा दूंगी तो खुश हो जाओगे ना तुम? जान जल रही है, जाके मोरे भैया की डीवीडी देख ले, तब पता चलेगा बहन कैसी होती है। हाँ? तू एक साल और बोर्डिंग में रहती तो वही तेरी पढ़ाई पूरी हो जाती, लेकिन तेरे पापा को इतनी समझ कहाँ? मैं आप सबको वहाँ बहुत मिस कर रही थी, मेरा वहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। माँ, ये कॉलेज भी सच में बहुत अच्छा है। ये लो। चाहे कॉलेज में हो या फिर इस इलाके में, अपने आप को संभालना, किसी लड़के को ज्यादा एंटरटेन मत करना। अशोक, आज के बाद दिव्या के मामले में कोई भी डिसीजन लेना हो तो मुझसे पहले पूछ लेना। ओके मैडम। तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, एरिया में हो चाहे कॉलेज में हो, कोई तुम्हें परेशान ना करे उसके लिए मैं हूँ, मेरे दोस्त लोग भी हैं, तो टेंशन मत ले। मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, मेरी सेफ्टी की बिल्कुल टेंशन मत लो। और हाँ, तुम्हें कोई सता रहा है तो बता दो, मैं उससे निपट लूंगी। आज रामचारी कॉलेज में आया है क्या? क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी अटेंडेंस शॉर्ट है या फिर कोई डोनेशन की प्रॉब्लम है या फिर कोई लुच्चा लफंगा आवारा लड़का तुम्हारे पीछे पड़ गया है? बताओ क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं है सर, उसे सिर्फ हाय कहना था मुझे, इसलिए। सिर्फ हाय कहना था? वो डेली कॉलेज में हाजिरी नहीं लगाता है, लेकिन चाय की टपरी पे मिल जाएगा, वहाँ जाके देख लो। एक्सक्यूज मी, रामचारी आज तुम्हारे यहाँ आया था क्या? नहीं मैडम। वो सिगरेट तो पीता है ना? पीता है। उसकी सिगरेट अच्छी है या फिर बुरी है? सिगरेट का भी अच्छी या बुरी होती है क्या मैडम, सब तो धुआं ही है। पासा, पासा। जी भाई। आजकल तू बहुत दादागिरी कर रहा है, लड़कियों को घूरता है। तेरे घर पे माँ बहन नहीं है क्या? रुको भाई, सच क्या है बताता हूँ भाई, वो मुझे देखती है तो मैं उसे देखता हूँ, उसके घर में बाप भाई नहीं है क्या? वो भी फुल लोफर है भाई, पक्का। प्यार करने वाली लड़कियां जब मुड़कर देखती है दिल हिल जाता है, वो किलर है बॉस। उनकी आंखों में इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों दिखाई दे तो लव है भाई, लव। सन, दोबारा तेरी शिकायत आई ना तो तेरा काल लाल कर दूंगा। इसे सुधारने निकला तो ये मुझे गलत राह पे ले जा रहा है। ये उस लड़की में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? उसका जादू चल रहा है। पहले ही शर्तें रख देना तो आगे तकलीफ कम होगी, उसमें गुस्सा बहुत है, वो किसी की भी नहीं सुनता, उसे सिगरेट पीने की बुरी आदत है। माना कि सिगरेट की आदत बुरी है, लेकिन वो लड़का बहुत अच्छा है, उसके जितना जिगर वाला लड़का इस पूरे कॉलेज में ढूंढ कर भी नहीं मिलेगा। उसकी हंसी, उसकी बातें कैसी है भाई? कॉलेज का टाइम हो गया, मैं जाऊं क्या? ए, तेरा टाइम पूरा करूं क्या? और बोलूं क्या भाई? बार बार उसके करीब जाने का मन करता है, वो और उसकी बातें याद आने लगती हैं। बोल तो एकदम सही रहा है। अरे डब्बा। हाँ? यार उसे क्या हो गया है? मेरे हिसाब से रामचरी को लव हो गया है। लव हुआ है? हाँ। वो भी रामचारी को? हाँ। मतलब उसके रास्ते लग गए। अच्छा ये बता, ये वन वे है या टू वे? उसकी हरकतों से तो मुझे लग रहा है कि वन वे ही होगा। अरे भाई, तो तुझे उसकी मदद करनी चाहिए। क्यों भाई रामाचारी, ये प्यार बहुत खतरनाक चीज है भाई, सोच समझ कर ही कूदना इसमें। सोच कर मैंने जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया, ये प्यार भी बिना सोचे हो गया। देख रामाचारी, तू अकेला है इसलिए आराम से जी रहा है, ये प्रेम रोग जब लगता है ना तो डेली रात को बात करनी पड़ती है, डेली मिलना पड़ता है, और ये सिगरेट छुपा छुपा के पीना पड़ता है, पैक भी लिमिट में लगाना पड़ता है, ये सब तेरे बस की बात नहीं है यार। अच्छा ये बता, कल को उसका भाई दीवार बनेगा तो तू क्या करेगा? उसी के एरिया में उसे दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। जो इसका साला बनेगा उससे तो चुल्लू भर पानी में डूबना पड़ेगा। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद प्रयत्न करें। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद प्रयत्न। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर व्यस्त है, कृपया थोड़ी। फोन नहीं उठा रहा है, ऐसा क्या जरूरी काम कर रहा है वो?
हमारे हीरो के सबसे बड़े फैन की जय। हमारे हीरो के फैन की जय। हमारे हीरो के फैन की जय। हमारे हीरो के फैन की जय। क्या बात है रामाचारी, स्टेज पर तो तुमने कमाल ही कर दिया। ऑर्केस्ट्रा के तुम आज के सबसे बड़े सुपरस्टार हो यार। और को आने दो, नयापन लाने दो, हिंदुस्तानी संगीत पूरी दुनिया में गूंजनी चाहिए। हाय हाय, अपना मोबाइल दोगे जरा? क्यों, तुम्हारे मोबाइल में बैलेंस नहीं है क्या? कल से लेकर आज तक 10 बार फोन कर चुकी हूँ मैं, फोन उठाने में तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? लड़कियों का नंबर लेने के लिए लड़के तड़पते हैं, एक मिस्ड कॉल दे दे तो मोबाइल का दम निकलने तक बात करते हैं, और एक तुम हो जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? अगर ये सिम चाहिए तो कल से तुम्हें रोज कॉलेज में प्रेजेंट रहना पड़ेगा। ये रामाचारी, दत्तू और डब्बा के रात को मिलने की जगह है, जो एक चाचा हमारे लिए छोड़ गए। हम तीनों मिलते मिलते दोस्त बन गए और पीते पीते क्लोज फ्रेंड हो गए। आप सोच रहे होंगे कि ये साइड में रखा ब्लैक बोर्ड क्यों है? ये रामाचारी का कॉन्सेप्ट है। हम लोग क्यों पीते हैं इसका कारण हम लोग यहाँ लिखते हैं। रीजन जानने के बाद रामाचारी डिसाइड करता है कि कितना पीना है। फ्रेंड्स लोग ज्यादा पीकर बर्बाद ना हो, इसीलिए ये डोज है। ए भाई, किन ख्यालों में खोया हुआ है? चल शुरू करते हैं यार। दत्तू, हाँ, पार्टी की वजह क्या है यार? आज मैं बहुत खुश हूँ यार, हॉस्टल में रहने वाली मेरी बहन घर लौट आई है, सिस्टर सेंटीमेंट। 60 और डब्बा, अब तू बता। मैं क्या बताऊँ, लव फेलियर है यार। आज भी सिर्फ सोडा, कम से कम 30 तो पीने दे यार। लव और पैसे के मामले में जो फेल होता है वो एक नंबर का लूजर होता है। या तो खुद को संभालो या गम भूल जाओ। इतने से गम नहीं जाएगा, मुझे ये पीना पड़ेगा। 120 लिखा, 120 किस खुशी में भाई? लव, पहले 30 उसका पता लगाया उसके लिए, दूसरे 30 मेरा मोबाइल तोड़ा इसलिए, तीसरे 30 मेरा सिम कार्ड ले गई इसलिए, और लास्ट के 30 मुझे डेली कॉलेज जाना पड़ेगा उसके लिए। चीयर्स। प्यारे, इतनी जल्दी डेवलपमेंट कैसे हो गया? जिसे तू ढूंढ रहा था वो मिल गई, वो भी तेरे इलाके में। लगता है वो लड़की तुझ में ज्यादा इंटरेस्टेड है। देखना यार, किस्मत का भी क्या खेल है। जो लड़के हमारी तरह शराफत की जिंदगी जीते हैं, उसे लड़कियां भाव ही नहीं देती, लेकिन ऐसे टपोरियों के पीछे अपनी जान छिड़कती हैं। ये अपनी बकवास तू बंद कर। जो लड़कियों को ज्यादा टाइम देता है लड़कियां उसी से पटती हैं। इसके पास कोई काम धाम नहीं है इसीलिए टाइम दे पाता है। मैं सुन रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तू जो मन में आया वो बकता चला जाए। तू मेरा सपोर्ट कर या मत कर, रामाचारी तो प्यार की राह में निकल चुका है। कल से हमारा प्यार बिना रुके चलता चला जाएगा। सुन, उस लड़की ने ओके कर ही दिया है तो फिर किस बात का डर? आज से तुम दोनों के प्यार को मेरा फुल सपोर्ट। उसके घर वाले क्या, कोई भी बीच में आया तो मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। अब आगे मैं क्या करूं? और क्या करेगा, जाके प्रपोज कर यार। तू चुप कर यार, लड़की को तो तूने ऑलमोस्ट पटा लिया, अब घर वालों को पटा, वरना लास्ट मोमेंट पे बोलेगी ओहो मेरे घर वाले नहीं मान रहे और तुझे टांग दे देंगे। क्यों इसे घर तक पहुंचाने का आइडिया दे रहा है? प्यारे, ये तेरे घर तक नहीं पहुंचेगा, तू टेंशन मत ले, चुप रहे। रामाचारी, कल से तू प्रेमचारी। था क्या बॉस, सबको यहां से बाहर निकालूं क्या? मैं यहां रेप करने आया हूं क्या? तू अपना ढक्कन बंद रख। सॉरी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, यहां आइए। मास्टर जी,
यू कंटिन्यू। 5 4 3 2 था। क्या बताऊं, जब से तुम सिम कार्ड ले गई हो मेरा फोन आना ही बंद हो गया है। तुम्हारे जाने के 10 मिनट बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम सिर्फ मेरा सिम कार्ड ही नहीं ले गई बल्कि मेरा दिल भी ले गई हो। आज के बाद अननोन नंबर से ही नहीं, कॉल सेंटर से भी फोन करोगी तो भी रिसीव करूंगा। सिर्फ मोबाइल से ही नहीं, पब्लिक बूथ से भी मिस कॉल दोगी तो भी उसका जवाब दूंगा। इसके अलावा तुम्हारे पहचान का कोई लॉयर होगा तो मुझे एक एंटीसिपेटरी बेल दिलवा दो ना, क्योंकि आज के बाद कोई तुम्हें घूरेगा छेड़ेगा या आंखें उठाकर भी देखेगा तो मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगा। उसके बाद मैं जेल चला जाऊंगा तो तुम्हारी हिफाजत कौन करेगा? 7 8 9 10 दिल में एक लहर सी उठ रही है, टेंशन में सेंटेंस फॉर्मेशन गलत हो गया हो तो एडजस्ट कर लेना। इसमें शादी का जोड़ा, हल्दी, कुमकुम, चूड़ियां, फूल, सब कुछ है। आज के शुभ मौके पर मैं इसे तोहफे के रूप में तुम्हें भेंट दे रहा हूँ। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का मौका है। वैलेंटाइन डे के दिन ग्रीटिंग कार्ड और रोज देने वाली मेरी कैटेगरी नहीं है। एक हिंदुस्तानी लड़का एक हिंदुस्तानी लड़की से अपने प्यार का इजहार बिल्कुल इसी तरह से करता है। मेरी जिंदगी में जिस लड़की को मैंने पसंद किया है वो फर्स्ट एंड लास्ट लड़की तुम ही हो। आज से तुम बस मेरी हो और मैं बस तुम्हारा। मैं जानती हूँ तुम रामाचारी हो, मेरा नाम है मार्गरेट। मार्गरेट, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम कला, शीला, चंचला वगैरह कुछ भी नाम रखा होगा, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ABC कुछ भी ऐड किया होगा, लेकिन आज से इस रामाचारी के लिए तुम मार्गरेट हो। कितने अच्छे ढंग से प्रपोज किया है यार। ना कर दे, इस नागराज से तेरा रिश्ता नहीं जमेगा। तेरा नाम क्या है? कस्तूरी। तो फिर तो सुवर्णा होगी। हाँ हाँ, मेरी अच्छी बुरी आदतों के बारे में इन दोनों ने बहुत रिसर्च किया होगा। आसपास के लोगों से जानने के बाद ही लड़कियाँ ओके कहती हैं। मेरे बारे में तुम्हें जरा सा भी डाउट हो ना तो इन चमचियों से नहीं सीधे मुझसे पूछना। चलता हूँ। आज के बाद फोन आता ही रहेगा, 24 आवर्स मोबाइल ऑन ही रहेगा। रामाचारी, तुम कॉलेज में आते हो लेकिन क्लास नहीं अटेंड करते। क्योंकि मैं बिना क्लास के पास होता हूँ। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? सरप्राइज है ये। सरप्राइज क्या है? अरे हम जा ही रहे हैं, खुद ब खुद पता चल जाएगा। क्या है ना, मैं हमेशा भटकता रहता हूँ तो जिस सरप्राइज से तुम मिलने वाली हो वो मुझे हमेशा राह दिखाता है। एक मिनट में आता हूँ, बस एक मिनट में। इतना लेट क्यों आया तू? धीरे बोल बे। सुन प्यारे, एक सरप्राइज है तेरे लिए। तू मेरी वाली को देखना चाहता है ना, उसी को ले आया हूँ। सब्र रखना जरा। ए, ज्यादा नाटक किया ना, मिलाऊंगा नहीं। ऐसे मत बोले यार, अपना एक्साइटमेंट रोक नहीं पा रहा हूँ। मिलाना मिलाना, चल चल चल। ए मार्गरेट, ये है मेरा क्लोज फ्रेंड, यही है मेरा सरप्राइज। अरे यार, ये मेरी बहन है। फ्रेंड की बहन से दूसरा फ्रेंड प्यार कर बैठा, और ये लड़की कौन है जाने बिना उसे टिप्स दे रहा था। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। इसीलिए कहते हैं फ्रेंड्स को अपने घर बुलाकर उसे खाना खिलाकर अपनी बहन, काकी, चाची और यहाँ तक कि भाभी से भी मिलवा दो। अब ये गधा अगर रामाचार्य को अपने घर ले जाता तो इतना कन्फ्यूजन नहीं होता।
फुल बॉटल। मेरी बहन से मेरा इंट्रोडक्शन करवाया, उस पर एक नजर रखना कहने से पहले तूने उस पर दोनों ही नजर रख दिया। अच्छी दोस्ती निभाई दोस्त। जो इसका साला बनेगा उससे तो चुल्लू भर पानी में डूबना पड़ेगा। ये क्या किया मैंने अपने ही हाथों से अपने। अरे दत्तू, तेरी भाभी से आज मुझे मिलना है यार। समझ में नहीं आता कौन से कलर का ड्रेस पहनूं। लड़कियों को कौन सा कलर पसंद आता है? अरे सुन, ये लड़कियों को जनरली कौन सा कलर पसंद आता है? औरों के बारे में तो नहीं जानती, पर मुझे ऑरेंज पसंद है। ऑरेंज पहन कर जा। ऑरेंज पहनूं? थैंक यू यार। यार दत्तू, जो होना था हो गया ना। कुछ मत बोल, ये मेरा पर्सनल मैटर है। ए दत्तू, यार इसकी क्या नौटंकी चल रही है यार? गलती जानबूझ के थोड़ी की है। और जान कर हो या अनजाने में, गलत तो गलत ही होता है। भाई होने के नाते वो बिल्कुल सही रिएक्ट कर रहा है। एक बार उसकी जगह खड़े रहकर सोच के देख, समझ जाएगा। देख, तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऑफिस में जाकर अपना एप्लीकेशन फिलअप कर दे, मैं बैंक जाकर तुरंत आता हूँ। जल्दी जाना। ब्रह्मचारी मेरी बात। रामाचारी, आज तुम क्लास अटेंड करने वाले हो? बैठिए भाई। बॉस, नमस्ते भाई। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते बॉस। गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट। चुप रहो। रामाचारी, तुम मुझसे ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मुझे पहचानते ही नहीं। मुझे अवॉइड ही करना था तो कॉलेज आने की क्या जरूरत थी? एक दूसरे को चाहने के बाद ही हमें पता चला कि तुम दत्तू के फ्रेंड हो और मैं दत्तू की बहन हूँ। इसमें हमारी क्या गलती है? दोस्ती गैरों को अपना बनाने की ताकत रखती है, लेकिन प्यार अपनों को भी पराया बना देता है। तुमसे पहले दत्तू मेरा फ्रेंड है। फ्रेंड को हर्ट करके मुझे खुशी नहीं मिल सकती, समझी? दत्तू को मैं मनाऊंगी। क्या कहा? वो लोफर रामाचार्य तुझे पसंद है? तुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है? दत्तू के साथ जब उसकी फ्रेंडशिप देखती हूँ तो वैसे ही मेरा खून खौलता है। अब उस पर तू उससे प्यार कर बैठी? माँ, रामचारी को बिना जाने उसे बुरा भला मत कहो। वो क्या है ये मैं जानती हूँ। ए दत्तू, सुना तूने, ये रामाचारी से प्यार कर बैठी है? इससे पूछ, इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? चाहे कुछ भी हो जाए, ये मुझे मंजूर नहीं है, समझा दे इसे। मुझे किसी से भी परमिशन नहीं लेनी है। आपकी बेटी होने के नाते मेरा फर्ज था, इसलिए बता दिया। लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करने के लिए डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और कॉमन सेंस दोनों ही मुझ में है। शादी से पहले पापा भी इर्रेस्पॉन्सिबल थे, आपने सुधारा ना? कॉलेज के बाहर पड़ा रहता था, उसे अंदर खींच कर लाई हूँ। रामाचारी को चेंज करने की जिम्मेदारी मेरी है। इंसानों की आदत सुधार सकते हैं, फितरत नहीं। माँ, रामाचारी के साथ मैं सुखी रहूंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आपको हम दोनों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। दत्तू, माँ रामाचारी के बारे में कुछ भी नहीं जानती। इतने सालों से तुम उसके साथ रहे हो, तब भी तुमने उसे पहचानने में गलती कर दी। तुम्हें बता दूं कि एक लड़के के बिहेवियर से उसके कैरेक्टर का अंदाजा लग जाता है, और इस मामले में वो खरा सोना है। जब से उसे पता चला है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, तब से वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता। तुम्हें हर्ट करके उसे मेरा साथ गंवारा नहीं, फ्रेंडशिप के लिए वो लव को कुर्बान कर देगा। उसके लिए तुम्हारी जगह यहाँ है, सबसे ऊपर। Mm-hmm.
रामाचारी, I'm so sorry यार। इसलिए मैं सिर्फ एक भाई बनकर ही सोचा यार, फ्रेंड बनकर मैंने तो सोचा ही नहीं। स्वार्थी बन गया यार, so sorry बच्चा। बच्चा नहीं, जीजा बोल यार। जीजा साले, जीजा जी, अबे साले, जीजा जी, हम पुराना रिश्ता है नहीं भाई, तुम दोनों साला जीजा बन गए। उस खुशी में मैं एक बार रहा। ए यार, एक पैक ज्यादा मार रहा हूँ यार, उसमें क्या है? अब बहुत देर हो चुकी है। जो प्यार में बाजी मारता है उसे टॉनिक, और जो फेल होता है उसे नोट, है ना जीजा जी? अरे मेरा साला हमेशा करेक्ट रहता है। मेरी इज्जत रखिएगा जीजा जी, आई लव यू, आई लव योर सिस्टर। गुड मॉर्निंग, गोवा जा रही हूँ। जाना जरूरी है क्या? मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी क्लोज फ्रेंड की शादी है, मुझे जाना ही पड़ेगा, सिर्फ 3 दिन के लिए, जल्दी लौट कर आऊंगी। तुम्हारे लिए सिर्फ 3 दिन है, लेकिन मेरे लिए पूरे 4320 मिनट है। फ्रेंड साथ में है, मैं बाद में मैसेज करती हूँ। सोच रही हूँ अगर तुम साथ होते तो और मजा आता। मिस यू रामाचारी, आई लव यू। दिव्या, आज शादी तो मेरी है, लेकिन देखा जाए तो मुझसे ज्यादा तुम खूबसूरत लग रही हो, लेकिन कुछ तो मिसिंग लग रहा है। मूड ठीक नहीं है यार, बोर हो रही हूँ। ब्रेकफास्ट में सूजी, सचिन के बिना क्रिकेट, और ये रामाचारी के बिना मार्गरेट, बोर ही तो होगी ना? ये लड़कियों का ड्रेसिंग रूम है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? किससे करिए, पागल हो गए क्या? कोई नहीं है, बेकार टेंशन दे रही है सबको। रामाचारी, सिगरेट जल्दी फेंको। फादर, सिगरेट? स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ माय चाइल्ड। नहीं नहीं, वो गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। दिमाग का दही हो गया है, मुझे हर जगह बस वही दिख रहा है, और पागलों की तरह बात भी कर रही हूँ। क्वार्टर पिलाए बंदर जैसी मेरी हालत हो गई है। ओहो, कितने सुकून से रह रही थी, उससे दिल लगा बैठी, पता नहीं क्यों। ये सॉन्ग यहाँ? वो रियल है या ख्याल है? रिएक्ट मत करना, वरना पब्लिक तुझे पूरी मेंटल समझेगी। अच्छा, इतनी अकड़? कोई बात नहीं, इस मिस्टर डिजायरेबल को कोई भी मिल जाएगी। हेलो, एक्सक्यूज मी गर्ल्स, एक मिनट रुको। क्या तुम सच में यहाँ आए हो? हे, ओह माय गॉड, तुम सच में आ गए मेरे लिए? ओह, आई कांट बिलीव इट। हे, तुम मुझे छोड़कर यहाँ रह सकती हो, लेकिन मैं नहीं रह पाया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती, इसका एहसास मुझे कल ही हुआ। इसलिए तो मैं रात को गांव छोड़कर सीधा तुम्हारे पास आ गया। यहाँ पर क्या कर रही है? हाय, हाय, ये हमारी बोर्डिंग स्कूल की फ्रेंड्स हैं, और ये है मेरा फ्रेंड रामाचारी। फ्रेंड है? हाँ, आपने ठीक सुना, जस्ट फ्रेंड्स हैं। हम दोनों के बारे में कंफ्यूज होकर कहीं गॉसिप मत बना देना, ठीक है? जस्ट फ्रेंड्स। ओह, जस्ट फ्रेंड्स हैं। जल्दी आना, हम लोग वेट कर रहे हैं। ये क्या, जस्ट फ्रेंड, इतनी बार कहने की क्या जरूरत थी? नहीं नहीं, तुमने जो कहा उसे मैं मेंटेन कर रहा था, वरना ये हमें लवर्स समझ लेती। मतलब हम दोनों लवर्स नहीं है क्या? अरे मैंने तो यूं ही कहा, देखो हम लोग लवर्स हैं, ये सभी लोग जानते हैं, बस ना वो लोग पूछे और ना हम लोग बताएं। आजा। हाँ? ए, आओ जल्दी, आओ जल्दी, ए, आओ जल्दी, आओ जल्दी, ये मेरा है, देखना
से पकड़ो। मेरा अरे नहीं ये ये मेरा है नहीं नहीं मेरा मैं पकड़ूंगी। अरे क्या कर रही है? अरे लवली कितनी खुश थी। हर लड़की का सबसे बड़ा सपना होता है उसकी शादी। सालों तक वो उसी सपने को सजाती है। खैर तुम बताओ हमारी शादी के बारे में तुमने कुछ सोचा है? मार्गरेट हम हर किसी की तरह बोरिंग शादी नहीं करेंगे। डिफरेंट टाइप से करेंगे। पहले तो हम हनीमून मनाएंगे, उसके बाद एक स्वीट न्यूज आएगी, उसके बाद हम माता पिता बनेंगे, उसका नामकरण करेंगे, उसके बाद हमारे बच्चे का फर्स्ट ईयर बर्थडे, उसके बाद शादी और बाद में रिसेप्शन। मतलब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि हर बच्चे की एक तमन्ना होती है ना कि वो अपने माता पिता की शादी देखे। हम बच्चे की खुशी को नहीं छीनेंगे। नहीं मार्गरेट बिल्कुल नहीं। हमारे रिलेशन के बारे में हो या हमारी शादी के बारे में ऐसी बेहुदा बातें तुम कभी मत करना। अब हमारी शादी स्पेशल तरीके से होनी चाहिए। देखो तुम ये मत समझना कि मैं पागल हो गई हूँ। हमारी शादी के दिन हमारा स्वागत करने के लिए मोर खड़ा रहेगा और मैं इंद्रधनुष के ऊपर से चलकर आऊंगी। चारों तरफ दिए होंगे, मैं सबसे पहले अपना दायां पैर रखूंगी। मार्गरेट वेड्स रामाचारी। इतने लंबे प्रोग्राम के बारे में पहले से पता होता तो माँ कसम गोवा आता ही नहीं। नहीं नहीं रामाचारी मैं तो मजाक कर रहा था। ए, ये क्या है? हे वाव, प्रोग्राम शुरू हो गया, जल्दी चलो। फिर से हैप्पी मैरिड लाइफ लवली, यू विल ऑलवेज बी माय बेस्ट फ्रेंड। I thank everyone for attending my daughter's wedding. हर पिता के लिए ये पल बहुत दर्द भरा होता है। आप ही सोचिए, मैं बेटी की शादी के लिए खुशी मनाऊं या फिर वो मुझे छोड़कर दूर जा रही है इसके लिए दुखी हो जाऊं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पीटर, किसी भी माँ बाप के लिए बेटी कभी बोझ नहीं होती। मैं अपने जिगर का टुकड़ा अब तुम्हारे हवाले करता हूँ। अगर उससे कोई भूल हो गई तो नाराज मत होना, प्यार से समझा देना, वो समझ जाएगी। पीटर, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरी बच्ची को सदा खुश रखना। यस अंकल। सॉरी, वो मैंने सोचा कोई रिसेप्शन का प्रोग्राम होगा। सर आपने तो मुझे इमोशनल कर दिया। आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी ऐसा एहसास हुआ। जब से वो मेरी जिंदगी में आई है सिर्फ सपने ही सपने हैं। पूरी जिंदगी उथल पुथल हो गई है तो सिर्फ उसी की वजह से। उसकी पूरी जिंदगी, उसकी सारी खुशियां उसने मेरे हवाले कर दी। हर पल बस उसी का ही ख्याल रहे और डर भी लगता है कि कहीं गलती से उसे मैं खो ना बैठूं। उसकी आंखें, उसके होंठ, मैं जब भी देखता हूं तो सारी दुनिया भुलाकर एक बच्चा बन जाता हूं। उसकी शादी होने के बाद हो सकता है कि वो अपने माँ बाप से बात ना करे, या ये भी हो सकता है कि वो महीनों तक उनसे ना मिले, लेकिन उसे एक पल भी मिस किए बिना उसका ख्याल रखूंगा। वो मेरी बनने के बाद उसे सीने से लगाने वाला पापा भी मैं हूँ और हर पल प्यार देने वाली माँ भी मैं हूँ। उसकी हर पल हिफाजत करूंगा, ये वादा करता हूँ। I love you, Margaret.
हे शंकर, मुंह खोल, मिठाई खा। आज मैं इतना खुश हूँ कि बता नहीं सकता। मेरी बेटी गीता और हरी की शादी तय हो गई है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। फर्स्ट क्लास। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? खुशी का बस बहाना चाहिए आपको, इधर लाइए। ये क्या बात हुई? तू लड़के वाला है तो इस तरह मेरे ऊपर रौब झाड़ेगा? मेरी बच्ची को मुझसे ज्यादा खुश रखने वाले तेरे जैसे सास ससुर, हरी जैसा पति मिला, अब मुझे कोई चिंता नहीं। मुझसे ज्यादा खुश नसीब कौन होगा? तुम बताओ बेटा, तुम खुश तो हो ना? अरे अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? पापा जो भी कहेंगे वो सही है। वाह, इंडिया और पाकिस्तान के मैच में इंडिया के जीतने जितनी खुशी मिली है। क्या कर क्या रहे हैं? बहुत जल्द वर्ल्ड कप होने वाला है, देखना है या नहीं देखना? पहले स्टेटमेंट पढ़ना, फिर साइन करना। ए सुधा, गोवा के फोटोज देखो कितने प्यारे हैं। आप देखो, लवली बहुत प्यारी लग रही है। हाँ, ये लो। शादी बहुत शानदार हुई थी। अरे सुधा। माँ। सॉरी, मैंने उसे मैसेज किया था कि मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ, और वो बेवकूफ गोवा आ गया। आप मान क्यों नहीं जाती माँ? जैसा आप सोचती हैं वैसा नहीं है, वो मुझे बहुत चाहता है माँ। शुरुआत में सभी मर्द ऐसे ही होते हैं, शादी के बाद वो अपना असली रूप दिखाते हैं। कॉलेज में होते हैं तब हमें कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि माँ बाप पर डिपेंड रहते हैं। उसके बाद जिंदगी क्या है ये पता चलता है। अरे मैं कह रहा हूँ ना सर। अरे नहीं भाई, देना ही पड़ेगा। अरे सर, लेकिन मैं गारंटी ले रहा हूँ ना। देखो साहब बैठे हुए हैं। हाँ, मैं निकल चुकी हूँ, तुम कहाँ हो? मार्गरेट, मेरे दोस्त का एक लफड़ा हो गया है, तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बस उसके ऊपर केस दर्ज हो गया है, तो उसे सॉल्व करके किसी तरह छुड़ा लूं, उसके बाद शॉपिंग चलते हैं। इट्स ओके। देखो मैं कह रहा हूँ। बाय। सिक्स यार। सुपर। अरे यार तू। हाँ बोलो मार्गरेट। लवली वेट कर रही है, उसके यहाँ लंच के लिए जाना है, कहाँ हो? मार्गरेट, पता नहीं क्यों सुबह से मेरी तबीयत खराब है, मेरा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है तो। अच्छा, ओके, अपना ख्याल रखना, टेक केयर। ओके बाय। चल मैच देखते हैं। बोलो मार्गरेट, तुम्हारा घर रोड नंबर 5 पर है ना? तुम इस वक्त कहाँ पर हो? तुम लंच पर क्यों नहीं गई? अरे लंच में किसी और दिन चली जाऊंगी, उससे इम्पोर्टेंट है तुम्हारी हेल्थ। बुखार अभी भी है, टैबलेट ली तुमने? डॉक्टर के पास गए या नहीं बताओ। क्या हुआ, क्या सोचने लग गए? मार्गरेट, मैंने तुमसे झूठ बोला कि मेरी तबीयत खराब हुई है, मुझे बुखार वगैरह कुछ नहीं था। इंटरेस्टिंग मैच चल रही थी मार्गरेट, तुम्हारी खुशी के लिए मैंने सोचा कि। मुझे खुश रखने के लिए कितनी बार झूठ बोला है? अरे मैंने कभी तुमसे झूठ। मार्गरेट प्लीज, मेरी। ए, जब तू यहाँ कुछ नहीं कर पाया तो वहाँ जाके क्या करेगा? ए, मुझे प्रमोशन मिला इसीलिए जा रहा हूँ, काम का हूँ इसीलिए भेज रहे हैं मुझे। तो इस खुशी में एक छोटा सा पैग हो जाए। क्या बात कर रहा है यार, मेरे फ्लाइट का टाइम हो गया। हेलो, तू ऐसे उदास क्यों बैठा हुआ है? घर में तेरी मैडम आग बबूला होकर बैठी हुई है, उसे मना कर बैलेंस कर ले यार। चल एकदम दे। तुम लोग टॉनिक पियोगे तो मेरा नाम लिखना, मैं पियूंगा तो तुम्हारा नाम लिखूंगा। चल मुझे छोड़ के। चल ये डब्बा, टेंशन मत ले, मैं जल्दी आ जाऊंगा। मार्गरेट क्या हुआ? मेरे फ्रेंड को अर्जेंट खून की जरूरत है, इसलिए फोन करके बुलाया। चलो। हाँ चलो। उसे कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। सर, हार्ट बीट चेक किया है मैंने, ऐसा लगता है कि आपने बहुत ज्यादा स्मोक किया है। हाँ। तो फिर 3 घंटे तक हम आपका ब्लड नहीं ले पाएंगे। नहीं वो मार्गरेट टेंशन मत लो, ब्लड अरेंज हो गया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम अब उसे नहीं, मुझे हो रही है। तीनों वक्त सिगरेट, ड्रिंक्स, फ्रेंड्स, भटकना, मजा करना, यही जिंदगी है क्या? ए, मुझे थोड़ी ना पता था कि मुझे तुम्हारी फ्रेंड के लिए खून देना पड़ेगा, उसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हें कुछ नहीं पता, यही तो प्रॉब्लम है। क्या हुआ है तुम्हें? तुमने कोई फ्यूचर प्लानिंग की है क्या? आगे के लिए कोई सेविंग की है क्या? ये सिगरेट, ड्रिंक्स में इन 3-4 सालों में कम से कम 1.5 से 2 लाख तो कंफर्म खर्च किए हैं। अगर वही पैसे सेव किए होते तो आज तुम्हारे पास एक नैनो कार तो होती ही। ये है, इसे कहते हैं प्लानिंग। तुम्हें ना ही टाइम की कीमत है और ना ही पैसों की। तुम सिगरेट पीती हो क्या? टॉनिक लेती हो क्या? तो फिर तुम्हारे पास नैनो कार क्यों नहीं आई?
ए, बेकार में क्यों परेशान हो रहा है? लव में ये सब चलता रहता है। एक हफ्ते से मैंने उससे बात नहीं की है यार, वो भी मुझसे मुंह फुला कर बैठी है। कल उसका बर्थडे है। हा? उसने मुझसे कहा था कि इस बार का बर्थडे हम अलग तरीके से मनाएंगे। किसी भी तरह उसे मना कर खुश करना पड़ेगा। रामाचारी, रामाचारी देख तेरे पापा को क्या हुआ? क्या हुआ? जल्दी आकर देख। ए? हैरी ने लेटर में लिखा है कि वो घर छोड़कर जा रहा है। शायद यही सदमा ये सह नहीं कर पाए। दिव्या, दिव्या उठ जा। हैप्पी बर्थडे माँ। थैंक यू माँ। तू जल्दी से तैयार हो जा, हम मंदिर चलेंगे। क्यों बेटा, शाम को पार्टी करनी है या फिर रामाचारी कहीं ले जा रहा है? सुधा हाँ? आ जाओ। संभल कर। बाय। चलो चले। रामाचारी, आई एम सॉरी मार्गरेट, मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन मेरे घर की प्रॉब्लम। खैर छोड़ो, हैप्पी बर्थडे टू यू मार्गरेट। समझने की कोशिश करो, आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हें खुश रहना। मेरी सारी खुशियां बर्बाद हो चुकी हैं, अब कोई खुशी नहीं बची है। मार्गरेट, मैंने जानबूझकर नहीं किया, पहले सुनो तो क्या हुआ है। तुम्हारे पास हर बात का रीजन होता है ना, हमेशा स्क्रीन पे तैयार करके आते हो। उस दिन तुम्हारा फ्रेंड पुलिस स्टेशन में था, परसों तुम बीमार थे, आज क्या बहाना है? तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है या तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में है? क्यों बोलती बंद हो गई? लोग तुम्हारे बारे में एकदम सही कहते हैं, मैं ही उन्हें गलत समझती रही। आज मेरा बर्थडे है ये भी तुम्हें याद नहीं रहा? तुम पर अगर मैंने और भरोसा किया तो सोचती हूँ क्या होगा। लवर अक्सर एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के लिए वक्त निकालते हैं, और जब दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है, टेकन फॉर ग्रांटेड, है ना? आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता, तो तुम कुछ भी पके जा रही हो। मैंने तुम्हारा दिमाग खराब नहीं किया, तुम ही मेरे पीछे लव लव करती हुई आई थी। हर किसी का अपना एक संसार होता है, लव होते ही सब कुछ भुलाकर किसी लड़की का गुलाम नहीं बना जा सकता। दोस्ती के मायने तुम्हें नहीं पता? मैं सिर्फ टाइम पास करने के लिए किसी से भी दोस्ती नहीं करता हूँ। तो क्या मैं टाइम पास हूँ? हर वक्त फोन करती हूँ, मैसेज करती हूँ, और फोन नहीं आया तो फिक्र करती हूँ, पर तुम्हें इससे क्या? तुम तो झूठ बोल दोगे। झूठ बोलने के लिए मजबूर तुम ही करती हो। पल पल मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मैं प्रूफ नहीं दे सकता। फोन नहीं किया या SMS नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुमने जो कुछ भी कहा वो मैं नहीं कर पाया तो मैं लापरवाह नहीं हूँ।
मतलब ये है कि मुझे उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम आया होगा। You're right, आया होगा। मम्मी पापा फ्रेंड्स के लिए तुम्हारे पास बहुत टाइम है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मेरा बॉयफ्रेंड 24 घंटे मेरे साथ रहे ये मैं नहीं चाहती, लेकिन बर्थडे के दिन मेरा बॉयफ्रेंड मुझे सबसे पहले विश करे ये तो चाहती हूं। क्या मतलब है तुम्हारा? दोस्त यार अगर फंस गया या मॉम डैड की सेहत खराब हो गई तो सब छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं? ये प्यार नहीं, इसे स्वार्थ कहते हैं। जी हाँ, स्वार्थी हूँ, क्योंकि हम शादी के बाद हमारे माँ बाप फ्रेंड्स सबको छोड़कर चुपचाप पराए घर में चली आती हैं। उसे तुम स्वार्थ मत समझो, वो प्यार है। बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं ही लव लव करके तुम्हारे पीछे पड़ी थी, लेकिन लव क्या है तुम नहीं जानते। तुम पर भरोसा करना मेरी गलती थी। क्या भरोसा तोड़ा? लड़कियां हमेशा प्लान करके ही आती हैं। तुम्हें मुझसे कई ज्यादा तुम्हारी सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट है। हर लड़की एक लड़के के बारे में 100 लोगों से पूछकर उसका बैकग्राउंड जानकर उसके बाद सोच समझकर उसे आई लव यू कहती है, लेकिन हम लड़के वैसे नहीं होते। हमें जब भी किसी से प्यार होता है तो उसी सेकंड वो कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, ये जाने बिना ही हम उसे आई लव यू कह देते हैं। ये होता है सच्चा प्यार। हम लड़कों की यही तो गलती होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम हो क्या चीज जो मैं तुम्हें हर वक्त सफाई देता बैठूं? मैं कैसा हूं मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तुम्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। मैंने कितनी बार समझाया फिर भी तुझे समझ में नहीं आया। तूने इसे पसंद किया है जिसके एक चप्पल से ज्यादा औकात नहीं है अपने खुद के घर में? ऐसे लड़के के साथ तू अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है? बीच चौराहे पर बिना सोचे वो तेरी बेइज्जती किए जा रहा है। प्यार क्या है तुम क्या जानो? जिसकी खुद की इज्जत नहीं वो मेरी बेटी से क्या प्यार करेगा? छी! चल मेरे साथ दिव्या। पापा, मैं बचपन से ही आप लोगों के लिए रामचारी से ज्यादा प्यारा रहा, क्योंकि मैं मन लगाकर पढ़ता था, मैं आपका हर कहा मानता था, इसलिए आप मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। मैंने इंजीनियरिंग किया है वो भी आपके कहने से नहीं, मैं खुद चाहता था। इसलिए मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी पाकर आप लोगों से हमेशा दूर रहना चाहता था। आपके दोस्त ने आपकी मदद की है तो वो कर्ज मैं उनकी लड़की से शादी करके क्यों चुकाऊं? मुझे आपके एहसानों की जरूरत नहीं है। मुझे पढ़ाने में आपने जो भी खर्च किया है मैं आपको लौटा दूंगा। मैं आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहता। आप मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत कीजिएगा। आपका बड़ा बेटा। दिव्या, दरवाजा खोलो। अगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो तू क्यों खाना पीना छोड़कर बैठी है? ये प्यार नहीं है, बेवकूफी है। जी बोलिए आंटी। हाँ, हैरी घर छोड़कर चला गया है। नहीं दे सकता, ना ही मम्मी को दूंगा और ना ही पापा को दूंगा। मुझसे ही बात कीजिए। मैं एग्जाम में पास हो जाऊं या फेल हो जाऊं इससे आपको क्या करना है आंटी? मेरे माँ बाप को कैसे संभालना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। गुड बाय। रामाचारी, बातों में जरा मिठास रखो, अच्छे बुरे वक्त में ये अपने ही काम आएंगे। अच्छे बुरे वक्त में भाग कर आते हैं फ्रेंड्स। रिश्तेदार तो बस पैसे वालों को कीमत देते हैं और फ्रेंड्स अपना बनकर फर्ज निभाते हैं। नाश्ता हो गया हो तो इनको दवाई दे दो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। I'm sorry, Margaret. बर्थडे के दिन मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही कह गया। मैं बर्थडे भूला नहीं था, सच में मेरे पापा की तबीयत खराब थी, हाई बीपी की वजह से। मैं जानती हूँ। I'm so sorry. अब पापा की तबीयत कैसी है? अब ठीक है। टेंशन में तुमसे जो होना था सो हो गया। अब हम पहले जैसे नहीं रह सकते। कॉलेज खत्म हो गया है, हमारी प्रायोरिटीज चेंज होने वाली है। मेरी मम्मी तुम्हें अच्छा लड़का नहीं समझती और ये तुम भी जानते हो। वो हमारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करती। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें चेंज करके दिखाऊंगी। उन्होंने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया था। तुम्हारी वजह से मुझे बहुत बेइज्जती उठानी पड़ी। तुम्हें लेकर हर रोज हमारे घर में झगड़ा होता है।
इस तरह से नहीं चलेगा, तुम्हें चेंज होना पड़ेगा। मेरी खातिर, माँ की खातिर, हमारे फ्यूचर की खातिर। देखो रामचारी, मैंने कजिन से बात की है, वो अपनी कंपनी में तुम्हें एक जॉब दिलवा सकता है। वो होता कौन है मुझे जॉब दिलाने वाला? तुम तो ऐसे करियो जैसे मैं कोई आवारा हूँ। देखो अगर तुम्हें मुझसे तकलीफ हो रही है तो तुम मेरा साथ छोड़ सकती हो। दुनिया की खुशी के लिए मैं अपने आप को बदल नहीं सकता। सिंगल रहो तो कहते हैं लवर नहीं है, लवर है तो पूछते हैं शादी कब है। ब्रेकअप हुआ तो भी पूछते हैं, डिवोर्स हुआ तो भी पूछते हैं। खुशी से रहेंगे तब भी बात करते हैं, दुख में रहेंगे तब भी बात करते हैं। मैं लोगों की बातों में नहीं आऊंगा और ना ही मैं अपने आप को बदलूंगा। तुम कहोगी कि सिगरेट छोड़ दो, पीना छोड़ दो, तो मैं एक बार इस बारे में सोच सकता हूँ। मेरी माँ के लिए ये छोड़ दो, मेरे बाप के लिए वो छोड़ दो, किसी और के लिए वो सब कुछ छोड़ दो। अगर इस तरह मैं अपना कैरेक्टर चेंज करता चला गया ना, तो तुम जिस रामाचारी को चाहती थी वो तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हें मैं खो दूंगा इस डर से। मुझे जैसा तुम कहती हो वैसा नाटक करना पड़ेगा और चेहरे पर नकली मुस्कान बनाए रखना पड़ेगा। ऐसी जिंदगी मुझे मंजूर नहीं है। अच्छा, तुम्हारी माँ के हिसाब से मुझे कैसे रहना चाहिए? हो, तुम्हारे बाप जैसा जो तुम्हारी माँ के सामने हमेशा नंदी बैल की तरह गर्दन हिलाता है। मेरे पापा के बारे में कुछ भी कहने की तुम्हें जरूरत नहीं है। पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। अच्छे स्टूडेंट नहीं बन पाए, माँ बाप के लिए अच्छा बेटा नहीं बन पाए, किस बात का गुरूर है तुम्हें? तुम इतने चीप होने के बावजूद मैं तुमसे बेशर्मों की तरह बात करती रहती हूँ। तुम इस जन्म में तो नहीं सुधरोगे। मेरी गलती दिखते ही मैं उसे सुधार लेता हूँ और अपनी खुददारी के आगे अपने माँ बाप की भी परवाह नहीं करता। ध्यान से सुनो, मैं ऐसा ही रहूंगा और अपने तरीके से ही जीऊंगा। तुम्हें ये रामाचारी पसंद नहीं है तो अपना रास्ता नाप लो। ऑलराइट, दोबारा कभी अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगी। मुझे खोने के बाद तुम्हें एहसास होगा कि मेरी कीमत क्या है। तू क्या सोचती है, तेरे जाने के बाद मैं मर जाऊंगा? तेरे आने से पहले मैं खुश था, तेरे जाने के बाद भी खुशी रहूंगा। अब ये बकवास बंद कर और यहाँ से दफा हो जा। मर जाऊं तब भी तुम मत आना। नहीं आऊंगा, जा, नहीं आऊंगा, जा। सॉरी बुलबुल, टच हो गया। ओहो, ब्रेकअप हो गया। तुम जैसी क्लासी लड़कियों को मेंटेन करने की हैसियत उसमें। चलो मेरे साथ, तुम्हें जन्नत दिखाता हूँ। ए, तुम लोग उसे देखकर क्यों घबरा रहे हो? उसने अभी अभी कहा कि ये मर भी जाए तो वो नहीं आएगा। आज से ये अपुन की प्रॉपर्टी है। तेरा क्या फैसला है बेबी? ए, फॉर्मेलिटी के लिए ही पूछ रहा हूँ, तू ना बोली तो भी। बुलबुल, अपना बना के तो। भागो भागो, ugh!
क्या चल रहा है? ये सब क्या हो रहा है? उसे प्यार करने का हक और छूने का हक इस रामाचारी को है और किसी को नहीं। इसे पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, भविष्य तो पहले ही बिगाड़ चुका है। इसके लिए हो सकता है कि एग्जाम कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन जो दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, एग्जाम ही उनके लिए सब कुछ है। बच्चों को पैदा करके सड़क पर छोड़ देना ही माँ बाप का फर्ज नहीं होता। बेटा कॉलेज जा रहा है सिर्फ ये जानना ही जरूरी नहीं है, वो वहाँ क्या कर रहा है, किसकी संगत में घूम रहा है, पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये जानना जरूरी है। ठीक कहा सर, ये दोस्तों के साथ सिगरेट पीता है, शराब भी पीता है, पढ़ता नहीं है, गुस्सा नाक पर है, लेकिन इसने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मेरा सर शर्म से झुक जाए, और ऐसा करेगा भी नहीं। ये पढ़ता नहीं था, मेरे साथ बहस करता था, इसलिए कई सालों से मैंने इससे बात नहीं की है, लेकिन दूसरों की गलती की सजा भी मैंने इसे दी है। कॉलेज में हमेशा फर्स्ट बेंच और लास्ट बेंच पर बैठने वाले बच्चों में भेदभाव किया जाता है, और अक्सर पढ़ने वाले और ना पढ़ने वाले बच्चों में भी भेदभाव किया जाता है। अगर हम जैसे लोग अपने ही बच्चों में भेदभाव करेंगे तो वो बच्चे अपना दुखड़ा किसे सुनाएंगे सर? पढ़ने वाला बच्चा अच्छा है और ना पढ़ने वाला बच्चा बुरा है, ये सोचना हमारी सबसे बड़ी भूल है सर। इसकी चोट मैंने खाई है सर, आप नहीं समझेंगे। इसने यहाँ हाथापाई की, एग्जाम में सबको डिस्टर्ब किया, कुछ तो जरूर गलत हुआ होगा तभी इसने ऐसा किया। फिर भी इसकी तरफ से आप सबसे मैं माफी मांगता हूँ। रामाचार्य, रामाचार्य, मैं तेरा बाप हूं ना, लेकिन मैं तुझे बचपन में कभी मेला घुमाने नहीं ले गया, कभी तेरे बाल कटवाने नहीं ले गया, पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी मैंने कभी अटेंड नहीं की, स्कूल डे कॉलेज डे किसी प्रोग्राम में नहीं गया मैं। तुम्हारी माँ कहती रहती है कि तुम बहुत अच्छा डांस करते हो, लेकिन मैंने कभी तुझे देखा ही नहीं, हमेशा अपना मुंह फेर लिया था। ए, 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 गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोकना, रोकना, रोक जा, रोक जा, रोक। पापा चलिए, पापा लेट हो गया। अरे पापा, पापा चलिए, बात सुन, मैंने तेरा कभी डांस नहीं देखा, तो एक दो स्टेप दिखाना मुझे अभी। देखा पापा, बहुत रात हो गई है, लेट हो रहा है, चलिए पापा घर चलते हैं, चलिए। अरे एक सुनना, डांस करना, मैंने तुझे कभी देखा नहीं, पता नहीं आगे देख पाऊंगा या नहीं, प्लीज प्लीज करना 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 पापा, प्लीज घर चलिए, एक दो स्टेप करना, प्लीज एक दो स्टेप बस करना, जल्दी जल्दी कर, देख मेरे को, देखना है तुझे, मैं तेरा बाप हूं, करना, कर 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 करना। अरे वाह, अरे
एजी, भाई साहब का फोन आया है। मैं कितनी बार झूठ बोल चुकी हूँ कि आप मोबाइल भूलकर शहर गए हैं। अब मुझसे झूठ बोला नहीं जाएगा। बहुत हुआ, आप ही उन्हें जवाब दीजिए। अरे उठाना मत। हेलो, कौन? शंकर अंकल, मैं रामाचारी बोल रहा हूँ। कैसे हो? मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ। गाँव गया था। कब आए आप? कल। पापा है क्या? हाँ, पापा घर में है। पापा से कहना मैं आ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं उन्हें वहाँ लेकर आ रहा हूँ। ठीक है बेटा, ओके। ए रामाचारी, भाई साहब का चेहरा देखने की हिम्मत मुझ में नहीं है। हरी के बारे में पता चला तो वो सहन नहीं कर पाएंगे। उनके हम पर बहुत एहसान है, मैं उनके साथ ये नाइंसाफी नहीं कर सकता। नहीं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। फिर कब तक ऐसे चुप रहोगे पापा? उन्हें कुछ हो जाएगा ये सोचकर आप सच्चाई पर पर्दा डालते रहोगे तो फिर आपका क्या हाल होगा? मुंह छुपाकर भागने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती और बढ़ती है। किसी और से उन्हें ये बात पता चलेगी तो आप उनकी नजर में गिर जाएंगे। अब तक आपने किसी के भी सामने अपना सर नहीं झुकाया और झुकाना भी नहीं। कुछ नहीं होगा, उनसे जाकर बात करते हैं। Happy birthday to you, Margaret. आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर व्यस्त है, कृपया थोड़ी। कितने ताज्जुब की बात है, रामाचारी को लेकर आज तुम मेरे घर में आए हो। क्यों, पापा के साथ सुलह हो गई क्या? तुम इस बच्चे को ठीक से समझ नहीं पाए थे, थोड़ी जबान कड़क है लेकिन दिल का हीरा है मेरा बेटा। गीता, जरा कॉफी तो लेकर आओ। भाई साहब, मैं कॉफी बनाकर लाती हूं। हाँ हाँ हाँ। अच्छा ये बता, तुझे क्या हुआ है? मेरा फोन नहीं उठा रहा था, बात नहीं कर रहा था, आजकल बहुत बिजी है क्या? मैं दुर्ग गया था, अपने सारे पुराने दोस्त मिले, सबको दावत दी है, सबने बेटी की शादी में आने का वादा किया है मुझसे, और एक तू है कि खामोश बैठा हुआ है, कोई तैयारी नहीं। पता है ना भाई, शादी की तारीख नजदीक आ रही है। भाई साहब, आपकी बेटी मेरी बेटी की तरह है और मैं हमेशा उसकी खुशी चाहता हूँ। देख, मेरी बच्ची कहाँ खुश रहेगी मैं जानता हूँ, यही सोचकर उसे तेरे घर की दुल्हन बना रहा हूँ। आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। टेंशन ना लूं, क्या मतलब है तेरा? मेरा लड़का हरी, वो सही नहीं है, उस पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी भूल की है। हे, ये क्या कह रहा है तू? हरी को ये रिश्ता मंजूर नहीं, वो घर छोड़ के चला गया। भाई साहब, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम दोनों पे क्या बीतेगी ये सोचे बिना वो घर छोड़ के चला गया, कितना नालायक निकला वो। मेरा बेटा मेरे लिए मर गया समझो, अब आप भी उसे भूल जाइए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, गीता के लिए उसे अच्छा लड़का ढूंढेंगे। अगर आपको मंजूर हो तो मेरा बेटा रामाचारी इस घर का दामाद बन सकता है। रामाचारी एक बहुत अच्छा लड़का है, ये खरा सोना है, ऐसा आप भी कहते थे ना। रामाचारी बिल्कुल सही रहेगा, इस मुसीबत से हमें अब यही बचा सकता है। भाई साहब, भाई साहब, मैं परेशान था कि आपको दीवी जबान में कैसे रख पाऊंगा, इसी डर से मैं आपका फोन भी नहीं उठा पा रहा था, पर अब मुझे जरा भी डर नहीं है। भाई साहब, मेरा बेटा रामाचारी है ना, मैं खुश रहूंगा, आप भी खुश रहेंगे, हमारी बेटी गीता भी खुश रहेगी, इसकी मेहरबानी से हम सब खुश रहेंगे। भाई साहब मान जाइए ना, भाई साहब इनकार मत करना, मैं हाथ जोड़ता हूं, मना मत करना। अपने बच्चे को बहुत
पढ़ा लिखा दौलतमंद लड़का तेरे से कहीं ज्यादा अच्छा, एक अच्छे संस्कार वाला, बड़ों की इज्जत करने वाला अच्छा लड़का दे रहा हूं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। हेलो दिव्या, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। रामाचारी की शादी उसकी किसी रिश्तेदार की लड़की से हो रही है। अच्छा है, तेरी तो जान बच गई। उसे अगर तुमसे प्यार होता तो क्या वो ऐसा करता? इससे उसने ये साबित कर दिया कि वो एक नंबर का लोफर है। दिव्या? हेलो दिव्या। हेलो माँ, माँ, क्या है दिव्या? माँ, मुझ में जीने की कोई इच्छा नहीं बची, मैं मरना चाहती हूँ। ये क्या कह रही हो? मैंने जहर पी लिया है माँ। मेरा प्यार मुझे नहीं मिला, ये तो मैं नहीं जीना चाहती माँ। अशोक, मैं मरना चाहती हूँ। कैसी है वो? वो अभी मरी नहीं है, वो जिंदा है या नहीं ये देखने आया है। तू आखिर अपने आप को समझता क्या है? हाँ, तुझे किसने हक दिया मेरी बेटी के साथ खिलवाड़ करने का? अब तो तुझे शांति मिल गई होगी। हाँ, चल अब निकल जा यहाँ से। तू जाता क्यों नहीं है? जा यहाँ से। जरा चुप करोगी, ये हॉस्पिटल है। दत्तू, मुझे उसे मिलना है, वो यहाँ अंदर है। ए, इस लोफर का साथ देकर तू अपने बहन की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है? बात को समझो माँ। बात तू कान खोलकर सुन ले, अगर दिव्या को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार तू होगा। काम डाउन प्लीज। मुझे एक माँ का दर्द तू क्या चाहेगा? कोई माँ बाप नहीं चाहेंगे अपने बच्चे को इस हालत में देखना। जा यहाँ से। मार्गरेट, मेरा नाम दिव्या है। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुम्हें मेरी याद नहीं आई? जैसे तुम्हें मेरी बड़ी याद आई। सिंदा हूँ या मर गई हूँ ये देखने आए हो, या फिर अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड देने आए हो? मार्गरेट, मेरी मजबूरी। माना कि हमें मिले बहुत दिन हो गए, फिर भी मेरे दिल में जरा सा भी प्यार कम नहीं हुआ। हर एक पल तुम्हारी यादों में तड़प कर बिताया है। सोचा था तुम भी तड़प रहे होंगे, पर वो मेरी भूल थी। तुम्हारे बगैर मैं अपनी जिंदगी इमेजिन भी नहीं कर सकती। तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकती, तो मैंने मरने का फैसला किया। लेकिन उसके बाद सोचा कि तुम मेरे बिना जी सकते हो, तो फिर मेरी जान गंवाने का कोई मतलब नहीं। नहीं, अब मैं नहीं मरूंगी, मैं जीऊंगी और खुश रहूंगी। मार्गरेट, मेरी मजबूरी क्या है जरा समझने की कोशिश। मुझे मत छुआ, घिन आती है मुझे। खुद शादी करने जा रहे हो और मेरे सामने नाटक कर रहे हो? थैंक्स, अब मैं समझी तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या जगह है। उस दिन तुमने सही कहा था, मेरे बिना तुम आराम से जिलोगे। पहले भी बिंदास था और आगे भी ऐसा ही रहूंगा। जाओ बिंदास जियो। मार्गरेट प्लीज। जाओ मार्गरेट, मेरी बात तो सुन। चले जाओ मार्गरेट, मेरी बात तो सुनो। जाओ यहाँ से। क्या हुआ? माँ से निकालो यहाँ से। चल यहाँ से। चल यहाँ से। मेरी बात तो सुनो। चल ना। हे भगवान, नर्स को बुलाओ। तूने ऐसा क्यों किया बेटा?
मैं कब से तुझे फोन कर रहा हूँ, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ये देख कैसा लग रहा हूँ, ये मेरी शादी का जोड़ा है, शादी के बाद इसे दूसरी बार पहना मैंने। आजा 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 जल्दी, क्या हुआ? वो देख बेटा, आज का दिन बहुत शुभ है, तो भाई साहब ने कहा कि आज के दिन मंगनी की रस्म पूरी कर लेते हैं। देख कम समय में कितनी अच्छी तैयारी की है मैंने। देख बड़े भाई साहब आज बहुत खुश है, तू जानता है ना वो मेरे इकलौते दोस्त है। आजा, ये चल, क्या चल, है बेटा, सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? चलो 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 चलो। हे शंकर, चला आजा। ये मैं क्या देख रहा हूँ, रामाचारी के चेहरे पर दूल्हे जैसी रौनक। रामाचारी, हमने पहले जो डेट फिक्स किया था उसी दिन गीता बेटी के साथ तेरी शादी होगी। मैच फिक्स। बैठिए जजमान, बैठिए, बैठ जा, बैठ जा, तुम भी बैठो। शंकर और गिरजा जी के सपुत्र रामाचारी जी का वेंकटेश जी और स्वर्गीय सुषमा जी की पुत्री गीता के साथ मंगनी का रस्म संपन्न हो रहा है। दिनांक 18 नवंबर 2014 के दिन चित्रदुर्ग में दोनों परिवार ने यह शुभ विवाह करवाने का निश्चय किया है। ये शादी मुझे मंजूर नहीं, मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ। ये बात मैं आपके भैया को भी बताना चाहती थी लेकिन। ए, अरे तुम पागल हो गई हो क्या? इस बारे में तुम्हें अपने पापा से कह देना चाहिए था। बहुत बार कोशिश की लेकिन नाकामयाब रही। ये बात आप भी जानते हैं, पापा को 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है। और उतना ही नहीं, वो लड़का मुस्लिम है, फरहान शेख। पापा किसी भी सूरत में नहीं मानेंगे। फरहान डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है, प्रोजेक्ट के काम से लद्दाख गया हुआ है। उसका फोन भी नॉट रिचेबल आ रहा है। उसे ये भी नहीं पता कि मेरी शादी यहाँ तय हो चुकी है। ऐसे हालात में क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भगवान के लिए आप किसी तरह ये शादी रोक दीजिए और मुझे बचा लीजिए प्लीज। बहुत जल्दी बता दिया। मैं ये शादी नहीं रोक सकता। सुनो, हम में से कोई कुछ नहीं रह पाएगा। हेलो अंकल, वेलकम। हेलो आंटी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। प्लीज कम। आइए। ये सही है आंटी, मुझे मैनेजर के पोस्ट के लिए प्रमोट कर दिया है। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अमेरिका में पोस्टिंग हुई है। ओह, ये बात है। कॉन्ग्रेट्स आकाश। थैंक्स। आंटी, क्या मैं दिव्या से मिल सकता हूँ या उसकी फोटो को ही मंगलसूत्र पहनाना है? रुको, अभी बुलाते हूँ। ऑलराइट। दिव्या। थैंक यू। थैंक यू। मुझे लगा तुम सिर्फ फोटो में ही अच्छी लग रही होगी, बट रियली तुम बहुत खूबसूरत हो। अब तक मैं भगवान को मानता नहीं था लेकिन आज से मानता हूँ, तुम्हें देखने के बाद। फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ कोई दिल को छू गया है। दिव्या, विल यू मैरी मी? जिंदगी में क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मी ने दिव्या की शादी एक लड़के से फिक्स कर दी और उसने हाँ भी कर दी है। भाई तेरे जिद की वजह से जिस दिन तेरी शादी हो रही है उस दिन उसे भी शादी करनी है, वो भी उसी गांव में। मैं कई बार तेरे लिए घर वालों से लड़ चुका हूँ पर वो मानती नहीं। ए रामाचारी, तू चाहता क्या है यार? पता नहीं। प्यारे ये ले, इसे पीकर तू सब कुछ भूल जाएगा। पीकर प्रॉब्लम कुछ देर के लिए भूल जाऊंगा लेकिन सॉल्व नहीं होगा। सिगरेट और ड्रिंक छोड़ने के लिए कहा, मेरे हेल्थ के लिए, प्लानिंग करके सेव करने को कहा, फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, चेंज होने के लिए कहा ताकि मेरा ही भला हो सके। उसने मुझे बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की लेकिन मैंने उसकी जरा सी भी कदर नहीं की। शी...
बात क्यों नहीं समझ रहा है यार? नहीं, अगर इसका प्यार सच्चा है ना तो वो ईश्वर इन्हें मिलाएगा, याद रखना। शाम को शादी है, टांगे को डायरेक्ट उधर ही भेज दे। नमस्ते सर, आइए 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 सर, वेलकम वेलकम। नमस्कार। क्या बात है, बस टू व्हीलर में आए, बात बनेगी क्या? कुछ कहा आपने? कुछ नहीं सर, आप बैठ जाइए। और कितना बैठेंगे? सुनिए सर, मेरी बेटी की शादी फिक्स हो गई, 18 तारीख को है। ओ अच्छा। मैं भाग दौड़ तो नहीं कर सकता। समझ रहा हूँ। शादी की तारीख बहुत करीब आ गई है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप मेरी बेटी की शादी पर्सनली हैंडल करें। लड़का लड़की की डिटेल्स, एडवांस सब इस हैंडल में है। किसी तरह की कोई कमी ना होने पाए। एडवांस की इतनी जल्दी नहीं थी, फिर भी कोई बात नहीं, रहने दीजिए। अब मैं चलूं। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार। ठीक है। क्या कहा, आपका घर भी चित्रदुर्ग में ही है? जी बिल्कुल। डेट मैडम? 18 तारीख को। ये लीजिए, इसमें शादी के सारे डिटेल्स हैं। ओके ओके ओके। शादी ग्रैंड तरीके से हो ये आपकी जिम्मेदारी। हाँ, हमारी है, हमारी है। देखिएगा कोई भी कमी ना रहे। जरूर। सारा काम अच्छे तरीके से होना चाहिए, टाइम बहुत कम है। ये लीजिए, ये रहा एडवांस। सारा इंतजाम हो जाएगा मैडम। मैं चलती हूँ, थैंक यू। ये क्या माजरा है, इनकी शादी भी चित्रदुर्ग में है, उनकी शादी भी चित्रदुर्ग में है, ये भी 18 तारीख को है, वो भी 18 तारीख को है। ये कोइंसिडेंस है या कहानी में कोई नया ट्विस्ट है? खैर जो भी है, उससे मुझे क्या है? लो फाइल लो। अरे अरे, गिर गया सर। सर ये एक दूसरे से मिल गया है, कंफ्यूजन हो रहा है। सर कौन सी जोड़ी है सर? ये देखो, यह है परफेक्ट जोड़ी। अंधे को ले जाकर अंधेरे में रखेगा तो भी वो कहेगा कि यही है परफेक्ट जोड़ी। ओके, ये ले, इसे टाई कर देगा। ये मन चला घोड़ा, कल से तेरा गेम स्टार्ट। पहुंच गया लगता है। आई 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 आई, आप लोग आ गए, मैं आपका ही वेट कर रहा था। वो यहाँ क्यों आया है मुझे नहीं पता। सर वो क्या है ना कि इनकी भी शादी उसी दिन है, तो इसीलिए इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इनका सारा अरेंजमेंट मैं ही करूं, पर्सनली हैंडल करूं, इसीलिए दोनों की परचेजिंग मैं एक साथ ही। मुझे इनके साथ शॉपिंग करना मंजूर नहीं है, मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करती हूं। चलो माँ, हम किसी से डर कर क्यों जाएं? आप फिक्र मत कीजिए, वो चाहे कुछ भी कर ले मेरी लाइफ में दोबारा नहीं आ सकता। ए दुल्हे राजा कांग्रेट्स, और दुल्हन बहना कांग्रेट्स। अरे ये जोड़ी भी यही है। नमस्ते बहना, चलिए चलिए टाइम नहीं है, आई 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 आई, चलो सबको नया डिजाइन दिखाओ, नया पैटर्न दिखाओ, चलो जल्दी करो। वेरी गुड। वो पैंट भाई साहब, आप यहाँ बैठिए, मैं उठ रहा हूँ। उनसे पूछिए। इनसे पूछो? इसकी शक्ल से ही लगता है कि ये बहुत कंफ्यूज्ड है। शर्मिला लड़का है। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ के बैठेंगे? वो क्यों? नहीं, आपका हीरो ना। शट अप। ये क्या हो रहा है, लड़का यहाँ नहीं बैठना चाहता, लड़की भी यहाँ नहीं बैठना चाहती, आज भी इतने संस्कार है? सुपर जोड़ी है, यू कैरी ऑन। सॉरी, नेवी ब्लू। ठीक है। या दैट्स नाइस। मैं बस अभी आया। ठीक है, वो ट्राई करने गया। इसी तरह सभी पार्टी पूरी जिम्मेदारी मुझ पर ही डाल देते हैं। मेरा कमीशन तुम फटाफट गिन 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 कर अपनी जगह चुका देना। ओके okay, मंचला घोड़ा जी। मैं ट्रायल रूम में जा रहा हूँ, यहाँ सब संभाल लेना। मार्गरेट, प्लीज मार्गरेट, समझने की कोशिश करो। ठीक है शंकर, ठीक है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है मार्गरेट। बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हें धोखा देकर दूसरी लड़की से शादी कर रहा हूँ। ट्रायल रूम वहाँ है। हे रामाचारी, ये पब्लिक प्लेस है, चारों तरफ पहचान वालों की भीड़ है, थोड़ा सबर रखो। हाँ वो अंकल, मैं यहाँ ये रेस्ट रूम। हम लोग साड़ी सेक्शन में जा रहे हैं, तू भी वहाँ जा। भाई साहब, इन्हें हनीमून पे कहाँ भेजें? How is it? It's nice. Okay, okay. हाँ छोड़ो मेरा ची। हफ्ते भर से। यार शर्म कुछ है कि नहीं तू? क्या मेरी किस्मत है? शह, उसका फोन भी नहीं लग रहा। ए, एक मिनट रुको, इतनी स्पीड से क्यों जा रहे हो? 24 कैरेट गोल्ड होते हुए इस उमा गोल्ड के पीछे क्यों भाग रहे हो यार? दिल की प्यास को कूल करने के लिए नारियल पानी मंगाओ क्या?
टाइम बहुत कम है घोड़ा जी, जल्दी वर्कआउट करना होगा। छोरा बहुत तेज है, अपनी शादी के बीच में दूसरे के साथ वर्कआउट करने की सोच रहा है। बाप रे, जरा वो वाली दिखाइए। हाँ। मतलब टॉर्चर है। कंफर्टेबल तो फील कर रहे हैं ना सर? हेलो, तुम रॉक फेस में क्यों बैठ गए हो यार? ओके ओके ओके, पहचाना इसे? बहुत अच्छा बैट्समैन है ये। वाओ, माँ ये देखो, ये वाली। वाओ, सुपर्ब है ये। ये तुझे पसंद आ गई? सुनिए, इसे प्लीज पैक कर दो। सॉरी मैडम जी, ये इन्होंने ले लिए। कोई बात नहीं, दे दीजिए इन्हें। ये ले लीजिए मैडम। ऐसी चीप साड़ी हम लोग नहीं पहना करते। अच्छी और कॉस्टली वाली दिखाइए। ठीक है मैडम, ये देखो बहुत महंगी है। हमारी बहू के लिए उससे भी कॉस्टली साड़ी दिखाओ। जी सर, ये देखिए सर, लेटेस्ट है, आजकल यही चल रहा है। ये देखो। सुनो, उससे कॉस्टली साड़ी दिखाओ मुझे। ये लो मैडम, कांजीवरम है, गोल्ड बॉर्डर वाली, आपको बहुत पसंद आएगी। सिर्फ बॉर्डर ही गोल्ड का नहीं, पूरी साड़ी गोल्ड की चाहिए। दिखा, जल्दी दिखा। अभी दिखाता हूँ सर, ये सबसे महंगी वाली साड़ी। लगता है कलेश होने वाला है। Do you like any of it? गीता बेटा, कैसी लगी है? अच्छी है ना? किसी तरह इस शादी में ये साड़ी बहुत अच्छी है। इसकी कीमत क्या होगी? इससे मत पूछे, सिर्फ ये जानना है कि बॉस को साड़ी पसंद है कि नहीं। बॉस, ये साड़ी आपको पसंद है कि नहीं, जरा बताइए। पसंद है, पसंद है। मेरी बहू के लिए 1,00,000 की साड़ी पैक करो जल्दी। हाँ जी सर। सुनो, तुम्हारी शॉप की सबसे कॉस्टली साड़ी दिखाओ। मैडम, ये दुकान की सबसे कॉस्टली साड़ी है, 1,00,000 रुपए की है, ऊपर से लिमिटेड एडिशन। इसका 2,00,000 रुपए लो और पैक करो। सब पैक करो भाई, पैक करो। अच्छी अच्छी साड़ियाँ ली है हम लोगों ने। आपके यहाँ शॉपिंग करके अच्छा लगा। चलता हूँ। सुनो भाई ब्रदर, एक मिनट, तुम्हें एक पते की बात बताता हूँ, सुनोगे? बोलो। तुम्हारी शादी के बाद त्योहारों में भी अपने घर वाली को मायका मत भेजना। वो क्यों? तुम्हारी सासुमा 50-50 में बात कर अलग कर देंगी। ओके ओके। गुरुजी, इस तरह की साड़ी शॉपिंग का लफड़ा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ये औरत लोगों का लॉजिक हमारे समझ से बाहर है। क्यों सर? इतना पैसा खर्च करके साड़ी खरीद के उसे पहनकर शादी में आती है, कितना कीमती है क्यों ना हो, फर्स्ट नाइट में पति तो उसे हटा ही देता। बिल्कुल सही कहा गुरुजी। ये लीजिए सर, इसे ट्राई कीजिए। बहुत बकवास लग रहा है, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। ये बहुत अच्छा है, इसे ही पैक करवाऊंगी मैं। आकाश, क्या कैसी लग रही हूँ? इट्स ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी लग रही है। लेट मी टेक अ पिक्चर ऑफ योर्स। ओके, इट्स सो नाइस। तुम भी आ जाओ, साथ में खिंचवाते हैं। ओके, एक्सक्यूज मी, आप हमारी एक फोटो लेंगे प्लीज? थैंक्स। स्माइल प्लीज। सॉरी, वन सेकेंड। ओके। ये नेकलेस तुम पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। तुम हमेशा उल्टा ही सोचती हो, जरा मेरी जगह खड़े होकर सोच कर देखो, जान जाओगी। मेड फॉर ईच अदर जोड़ी। फोटो कैसी है? अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने डिलीट कर दी। कम विल टेक अ सेल्फी। स्माइल। आप सही कह रहे हैं। जी सर, आप जरा मेरे दामाद को बुला देंगे? ब्रेसलेट का पैटर्न सिलेक्ट करना। ओके ओके, अभी बुला कर लाता हूँ। नहीं नहीं, इससे अच्छी तो वो वाली है। इस जरा जल्दी। अरे पागल हो गया क्या? करना चाहिए वो करते हो, बदमाश कहीं के। सर, आपके दामाद को मैं लेकर आ गया, जो ब्रेसलेट पसंद करवाना है जल्दी से करवा लीजिए, इन्हें और भी काम निपटाना है इसीलिए। आकाश, तुम चुप रहो यार। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। तुम्हें अकल है कि नहीं? तुम इसके साथ मिलकर हमारे साथ खेल खेल रहे हो। मेरी बेटी के हस्बैंड का नाम है आकाश, इससे मेरी लड़की का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट टाइम अगर तुमने हमारे साथ ऐसी बदतमीजी की तो मैं उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगी, समझ गए? दाल में नहीं, पूरा दाल काला। मैंने तुम्हें कंफ्यूज नहीं किया, तुम पहले से ही कंफ्यूज थे। बेहतर होगा दोबारा रिपीट मत करना, सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल हो गई है। मेरी तो हालत टाइट हो गई है, तुम भी लपेट में आ जाओगे। लपेट लेंगे? ये लोग समझते क्या है,
कहीं तुम बोर तो नहीं हो गए? Not at all. रहने दो दिव्या, चल निकल, सीन क्रिएट हो जाएगा, हमें क्या करना, छोड़ दो ना उन्हें. आकाश, हमें क्या करना है, मतलब ऐसा मेरे साथ होता तो? आई नो, बट हुआ तो नहीं ना. किसी और का दुपट्टा लिया भाई, तो इसको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? ए गुरु, उसके पछड़ में मत पड़ो, गरम मिजाज की है वो लड़की, देखते हैं कितनी गरम है. चल भाई चल. अरे शॉपिंग करने आए, शॉपिंग करो, भूल जाओ. कान बचाता है, इसको बुलाऊंगा, इससे दूर रहो. 100 पर नहीं, 102 को फोन करो. तुझे जो पंच पड़ा है उसका इलाज फिरंगी मेडिसिन से नहीं होगा, तेरा इलाज अब जानवरों का डॉक्टर ही कर सकता है. समझा क्या? समझा कि नहीं? नसें जकड़ गई है, मोड़ना नहीं, बहुत दुखेगा. शंकर एक दो रन नहीं लेता, सिर्फ बाउंड्री और सिक्सर ही मारता है. आप डर मत भाग्यवान, बचपन से ही कभी इसकी नाक तोड़ी, कभी उसका हाथ तोड़ा, ये कंप्लेंट तो आती रही है ना, तो आज उसका जलवा लाइव देखते हैं. L5 डैमेज, सरकारी अस्पताल में जाकर एक महीना आराम करना. चीप एंड बेस्ट. की इज्जत करना सीख, उन्हें सम्मान दे. अब अपनी बीवी को भी छूने से पहले तू 10 बार सोचेगा. सारे हे थैंक्स, गुंडों को अच्छा आज सबक सिखाया. तुमने बहुत मदद की. कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था. मैं नेचुरली ऐसा ही हूँ, इसलिए मैंने किसी से पहले कहा था कि मुझे एंटीसिपेटरी बेल दिलवा दो, लेकिन अब तक नहीं दिलवाई. मुझे जेल से छूटने के काम आएगी ना. मैं भी वैसा ही हूँ, अगर किसी ने हेल्प की है तो उसे ट्रीट देना तो बनता है. आपकी वजह से मेरी फियांसे सेफ है, तो क्यों ना हम सब साथ में डिनर पर चलें? प्लीज
It's my humble request. नहीं आ सकता। देखिए ना मत बोलिए प्लीज। नहीं नहीं वो जरूर आएगा। वो इतना रिक्वेस्ट करे तो तुम्हें जाना चाहिए ना बेटा। रामाचार्य के साथ तुम भी जाओ बेटा, दोनों की शादी एक ही दिन है इसलिए अच्छे दोस्त बन जाओगे। ओके आई विल सी यू देन। सुबह से ये लंच किया जा रहा है, आखिर में से डिनर में भी बुला लिया। 100% ये दौड़ती हुई कार पंचर होगी। सो नाइस, ऑसम। दोनों की शादी एक साथ हो रही है, वो भी एक ही गांव में। व्हाट अ कोइंसिडेंस। या बेकार कोइंसिडेंस। हाय रे मेरी किस्मत, मवाली के साथ शादी हो रही है। तो पहले क्या ऑर्डर करें? सम ड्रिंक्स? आकाश मैं ड्रिंक्स नहीं पी सकता, तुम चाहो तो ले लो। क्यों, आज ड्राई डे है क्या? नहीं नहीं, लेकिन अगर ड्रिंक्स लेना ही है तो हम पहले अपने फ्रेंड्स को फोन करके कंफर्म कर लेते हैं कि कहीं किसी का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया ना। व्हाट? नहीं, इन केस अगर एक्सीडेंट हो गया तो उनका फोन आ सकता है कि उन्हें वहां से पिकअप कर लो या हेल्प करो, तब आपको ब्लड डोनेट करने की जरूरत पड़ सकती है। हम अल्कोहल लेंगे तो हमारा ब्लड उनके काम नहीं आएगा ना आकाश। सो ना ही ड्रिंक करेंगे और ना ही स्मोक। कम ऑन रामाचारी, कोई आधी रात को हमें फोन करके ब्लड मांगेगा ये सोचकर हम ड्रिंक ना करें। आई मीन हाउ सिली इज दिस। तुमको ये सिली लग रहा है लेकिन मुझे रेड चिल का इफेक्ट लग रहा है बॉस। यार अगर इतना सीरियस मैटर है तो ना हमने ड्रिंक किया है और ना ही स्मोक किया है, ऐसा झूठ बोल देने का। प्रॉब्लम सॉल्व। प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है आकाश, झूठ बोलने से। एक छोटा सा झूठ बड़ा कांटा बनकर हमारे कलेजे को चीर देता है। आकाश लड़कियों से झूठ बोलना ही बिल्कुल गलत है, इन केस अगर बोल भी दिया तो उसे मान लेना उससे भी बड़ी गलती है। कहते हैं सिंसियर बनकर रहो, हम सिंसियर बनकर रहने लगे तो लोफर कहलाते हैं। अच्छे लड़कों की वैल्यू ही नहीं है आकाश। ओके ओके, ड्रिंक्स कैंसल्ड। कूल, फूड ऑर्डर करूं क्या? करो करो करो। ओके ओके, तो फिर रोजी रोटी का क्या? नथिंग मच। शर्मा क्यों रहे हो आकाश, बताओ ना, हमारी शादी के बाद यूएसए सेटल होने वाले हैं। You excited, right? Yes, very much. आकाश तुम अमेरिका जाओ या फिर अंटार्कटिका जाओ, सब जगह की लड़कियां एक जैसी ही होती है आकाश। अगर आपको लाइफ में थोड़ा भी खुश रहना है तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं एक टिप देता हूँ, उसे फॉलो करो, बहुत सुकून मिलेगा। सबसे पहली बात, चाहे लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है इनका बर्थडे मत भूलना। दूसरी बात, इनके फैमिली का गेट टुगेदर हो या शॉपिंग के लिए बुलाया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ हो, ये कभी भी मत कहना। तीसरी बात, दिव्या क्या हुआ? Have some water. ये हिचकी पानी से तो दूर नहीं होने वाली। किसका फोन है बॉस? सॉरी बॉस इज कॉलिंग। अर्जेंट है तो उठा लो, उठा लो। You have some water. I'll be back. हां मैं देख लूंगा, जाओ। हेलो, ये तुम क्या खा रही हो? वॉशरूम उधर है। उधर है मार्गरेट, मैं तुम्हें हर्ट करने के लिए ये सारी बातें नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हें इस बात का एहसास दिला रहा हूँ कि मैंने कोई भी गलती नहीं की। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे समझने की कोशिश करो। सच्चाई क्या है ये बात मैंने तुम्हें कई बार बताने की कोशिश की मार्गरेट, लेकिन मैं जब भी तुम्हारे सामने आया तो तुमने अपना मुंह ही फेर लिया, तो मैं तुम्हें कैसे बताता मार्गरेट? देखो मेरी शादी तो नहीं होने वाली है मार्गरेट, और ना ही अभी मुझ में पापा से ना कहने की हिम्मत है। मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दो मार्गरेट, मेरे पापा ने जो वादा किया है उससे उन्हें मुझे बचाना है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मार्गरेट, ये तुम भी जानती हो। भगवान के लिए अपनी जिद छोड़ दो, एक छोटी सी भूल को उम्र भर की सजा मत बनाओ। प्लीज मार्गरेट, आई लव यू मार्गरेट। यस सर, ओके सर। दिव्या, आर यू ओके नाउ? सॉरी, इट वाज एन इंपॉर्टेंट कॉल। इट्स ओके। सर बाकी के पैसे। ये क्या कह रहे हो, बिल कब दिया तुमने? पेमेंट हो गई है सर। रामाचारी, दिस इज नॉट फेयर, मैं दे रहा था ट्रीट। नहीं आकाश, वो मेरी वाली को मेरे ही पैसे खर्च करने का शौक है। थैंक यू, नाइस मीटिंग यू। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच। सेम हियर, बाय। दिव्या, शैल वी गो? बाय। कैसे हो प्यारे? क्या बात है रामाचारी, लव हो गया तब से, दिखाई नहीं दे रहे। अरे बहुत बिजी हो गए क्या? हेलो मार्गरेट। बुस डैंग 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 डैंग। बुस, हर किसी ने नागराज कहा था तुम्हें, लेकिन नहीं,
तुम दो सिर के नागराज हो। सोचा था तुम मेरे साथ ही नाटक करते हो। नो, तुम माँ बाप शादी होने वाली लड़की सबके साथ नौटंकी कर रहे हो। होलसेल में चीटिंग। कानून में कोई ऐसी धारा नहीं जिससे तुम पर केस कर सकूं। बाप के सामने हाँ कर दिया और दिल में मैं रहती हूँ। काना दो सिर का नागराज है। तुमने गलती की इसलिए तुमने मुझसे सॉरी कहा। कितनी भी नाक रगड़ लो पर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मुझसे प्यार करने की तुम्हारी औकात नहीं है। तुमने पी रखी है। यस। अगर लड़कियां धोखा देती है तो तुम लोग लव फेलियर कहकर पी सकते हो। हमें बुरा भला कह सकते हो। अगर लड़के ने धोखा दिया तो लड़कियां पी नहीं सकती। तुम्हें भला बुरा नहीं कह सकती। लड़कों की जात। अरे क्या हो गया गुरु। लड़कियां जब पास होती हैं लड़कों को उनकी कदर नहीं होती और जब दूर जाती हैं तब उन्हें पाने की कोशिश करते हैं। हमें क्या एंड ऑफ सीजन का सेल समझा है कि तुम्हारे कहने पर आ जाए। अब मेरी जिंदगी तुम्हारी तरह होगी। विस्की होगी, ब्रांडी होगी, रम होगा। जो पैसा नहीं होगा तो कंट्री भी चलेगा। किसी भी बार में ईयरली खाता खुलवा लूंगी। डेली पीकर फुटपाथ पर पड़ी रहूंगी। वैसे तो सारे ऑटो ड्राइवर्स तुम्हारे फ्रेंड्स हैं ना। कह देना तो सेफली मुझे घर पहुंचा ही देंगे। अगर तुम्हारे अंदर शर्म और इंसानियत बची है और तुम मेरी जरा सी भी फिक्र करते हो तो मेरे करीब मत आना। आकाश और मैं खुश रहने वाले हैं। गुड नाइट रामाचारी। नहीं 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 नहीं, गुड बाय। कहाँ जा रहा है? इसे जाकर पंडित जी को दे दो, मैं भी आती हूँ। ठीक है, बिल्कुल। हमारे जमाने में क्या शादियाँ होती थी, है ना? यहाँ बैठकर सोच क्या रहा है, जाकर रेडी क्यों नहीं होता? हाँ डब्बा बोल। मैं अंदर आ सकता हूँ? जच रही है मेहंदी सच में। हाँ चलो चलते। हाय हाय। जिंदा हो या मर गई हो ये देखने के लिए यहाँ आए हो? ये शादी मुझे मंजूर नहीं कहने के बावजूद तुम मुझसे शादी कर रहे हो। जरा रुको रुको रुको। तुम अपने दोस्तों के सामने मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो? ऊपर वाला कभी तुम्हें इसके लिए माफ नहीं करेगा। मैं तुम्हारे साथ घर बसाना नहीं चाहती। मैं सिर्फ फरहान को चाहती हूँ। बस करो बाबा। फरहान, फरहान, तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे? बताओ मैं तुम्हें कहाँ ढूंढती और पापा को सच्चाई भी नहीं बता सकती थी। जीना नरक बन गया था मेरा और ऊपर से इसका जुल्म। गीता, यही मुझे याद आया है। मैं जहाँ था वहाँ खाना मिलना भी मुश्किल था, तो फिर मोबाइल का नेटवर्क कहाँ से मिलता? रामाचारी ने मेरे प्रोजेक्ट का डिटेल्स पता लगाया और मुझे ट्रेस आउट करके अपने फ्रेंड के थ्रू यहाँ ले आया। थैंक यू सो मच। फरहान, पापा तुम्हें किसी हालत में पसंद नहीं करेंगे। ये बात पापा के कानों तक पहुँचने से पहले हमें यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। कहाँ जा रही हो? तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आ गया तो? मेरे पास कोई चारा नहीं है। ठीक है, फिर तुम्हारे पापा। पापा, पापा वो सॉरी। तू इतना बड़ा कब हो गया बेटा? पापा, मैंने आज तक कभी आपकी बात नहीं मानी और ना ही आपको खुश रख सका, लेकिन जब आज आप मुझसे खुश है ये जानने के बाद आपकी खुशी को छीनना नहीं चाहता था मैं। सॉरी पापा। पापा ये दोनों। अंकल, मुझे बहुत डर लग रहा है। अंकल, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अगर पापा को तुम बिल्कुल फिक्र मत करो बेटा, रामाचारी बात करेगा। दिव्या, अभी भी वक्त है, सोच कर देख।
रामाचारी ही तेरे लिए करेक्ट है, प्लीज ऐसा मत कर यार। दिव्या, रामाचारी ही तेरे लिए सही है यार, जिद छोड़ दे वरना पछताएगी। तू बहुत बदल गई है, सोच कर देख, बदली मैं नहीं तू है। बात को समझ, तू कहेगा तो भी हार्ट अटैक आएगा, मैं कहूंगा तो भी हार्ट अटैक आएगा। मुस्लिम लड़का है ना, समझ नहीं आ रहा क्या करें। रामाचारी कोई टॉनिक वॉनिक है क्या? पापा। नहीं नहीं, दो तीन पैक के बाद क्या है ना कि वो दिमाग अच्छा काम करता है। चुप करिए पापा। गजानन पद्माक्षम गजानन महर्निशम। यहाँ आइए। हाँ, अब तू अंदर जा रहा है, देख जरा संभल के। हाँ आ बेटा। क्या बात है रामाचारी, ऐसे क्यों बैठे हो? मुहूर्त का टाइम हो रहा है बेटा। अंकल, ये हार्ट अटैक के लिए जो टैबलेट लगती है वो आपने खा ली ना? नहीं, वो देखो वहीं रखी है। तो वो खा लीजिए। अरे तुम लोग जरा दो मिनट रुको ना। क्या बात है बेटा, उदास क्यों हो, कुछ कहना चाहते हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। अगर मैंने आपसे कुछ पूछा तो आपको कुछ होना नहीं चाहिए। कल के मैच में इंडिया हार गई क्या? अरे नहीं नहीं अंकल, इंडिया विन। ज़हीर खान ने 5 विकेट लिए हैं। यस, शाबाश। आइए आइए, कैसे हैं? बहुत अच्छी तैयारी की। हाँ, अंदर जाइए ना। मैं ये कह रहा था कि मैं ठीक हूँ, आप जाइए ना। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं अंकल? ये मैच ज़हीर खान ने जिताई है, इसका आपको बुरा लगा क्या? मुझे क्यों बुरा लगेगा, पागल हूँ क्या मैं? बस इंडिया जीतनी चाहिए, चाहे कोई भी जिताए, चाहे सचिन हो या फिर गांगुली हो। तुझे एक बात बताऊं, मोहम्मद अजहरुद्दीन जब इंडिया का कैप्टन था ना, तो इंडिया ने बहुत सारे मैचेस जीते थे। जब देश की बात होती है तो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन कुछ भी नहीं होता, सिर्फ देश बड़ा होता है। पानी पियोगे क्या अंकल? पानी? लेकिन क्यों? सेफ्टी के लिए। पीजिए पीजिए। हेलो सर, कैसे हैं? हेलो। करेक्ट अंकल, आपने जो कहा करेक्ट है, जब देश की बात आती है तो जात पात धर्म की कोई अहमियत नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। ठीक उसी तरह जब बच्चों की लाइफ की बात आती है तो जाति धर्म की अहमियत नहीं होनी चाहिए ना। अंकल, आपको किसी भी सूरत में हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए। कहना क्या चाहता है? गीता। गीता? गीता। गीता? गीता वही क्यों अटका है, बोल। अंकल, आपकी बेटी की खुशियां ही आपके लिए सबसे जरूरी होनी चाहिए। वो हिंदू से शादी कर रही है या मुस्लिम से, ये कोई जरूरी नहीं है। अंकल, आपकी बेटी फरहान नाम के मुस्लिम लड़के से प्यार करती है, ये बात आपको पता चली तो आपको कुछ हो जाएगा, इसी डर से मैं आपको। अंकल जरा अपने आप को संभालिए, आपको हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए। अंकल, गीता फरहान के साथ बहुत खुश रहेगी, आप भी चाहते हैं ना कि आपकी बेटी खुश रहे? दुनिया वाले क्या कहेंगे ये आप मत सोचिए अंकल। दो दिन आहू करेंगे, तीसरे दिन सब कुछ भूल जाएंगे और अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाएंगे अंकल। लेकिन हम तो गीता की खुशियां चाहते हैं ना। मेरा कहा मानिए अंकल, मुझ पर विश्वास कीजिए, मुझ पर विश्वास कीजिए अंकल। हुआ? क्या हुआ रामाचारी? क्या हुआ बता ना। अरे थैंक्स पापा, थैंक यू सो मच। रामाचारी बेटा है तुम्हारा, तुम्हारा सिक्का भाई साहब। सदा खुश अंकल। रामाचारी कहाँ? वो अभी तो यही था वो, मैं उसे ढूंढ के लाता हूँ। मुहूर्त का टाइम हो गया तो आप चलिए ना, मैं उसे ढूंढ के लाता हूँ। ए डब्बा, ये रामाचारी कहाँ है? उसने सबकी जिंदगी तो सुधार दी पर खुद की जिंदगी बिगाड़ ली। क्या हुआ, कहना क्या चाहता है? अरे बताना क्या हुआ। दत्तू, आज के बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मैं शादी करके यहाँ से जा रही हूँ, अब तुम खुश रहना। तू खुश रहेगी क्या?
सच बता, अब भी तेरे दिल में रामाचारी नहीं है? तू झूठ बोल रही है। जो कहानी खत्म हो गई है उसे क्यों दोहरा रहे हो? तू अपने आप को क्यों धोखा दे रही है? इतनी जिद अच्छी बात नहीं। अच्छा क्या है बुरा क्या है मैं जानती हूँ, तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं। अपने दिल में रामाचारी को बसाकर क्यों नाटक कर रही हो? शादी के लिए लाखों रुपए की साड़ी खरीद कर लाई हो, फिर भी तुमने कौन सी साड़ी पहनी है? उसे पसंद नहीं था, फिर भी उसने अपने पापा का मान रखने के लिए हाँ किया, लेकिन तू उसे समझ नहीं पाई। उसने गीता से शादी नहीं की, उसने गीता और उसके लवर को एक किया है। उसने आज तक सबका भला ही किया है, उसने तुझे धोखा नहीं दिया है, धोखा देने पर तुली है तू। एक बात बता, रामाचारी कैसा इंसान है ये मां नहीं जानती, तू भी नहीं जानती है क्या? उसके लिए तेरी जगह यहाँ है, सबसे ऊपर है। चल। जो भी कर रही है गलत कर रही है। दिव्या, तेरे बिना वो नहीं जी पाएगा। छोटी छोटी बातों को जानकर वो आज कितना बड़ा हो गया, और उसके सामने आज मैं कितना छोटा लग रहा हूं। उसके सीने में कितना दर्द भरा है। कहां गया होगा वो रामाचारी? समझ लो कि मैं पागल हो गई हूँ। हमारी शादी के दिन हमारा स्वागत करने के लिए मोर खड़ा रहेगा। और मैं इंद्रधनुष के ऊपर से चलकर आऊंगी। मेरे कदमों का हर निशान मेरे प्यार की गवाही देगा और हमारी मोहब्बत का साक्षी बनेगा। आज तक की हमारी जो भी यादें हैं उन्हें अपने दिल में समा लेना, ताकि शादी के बाद जब मैं तुम्हारे दिल में आऊं मुझे अकेलापन न महसूस हो, तुम्हारा दिल सिर्फ मेरे लिए धड़के। और आखिर में जब मैं नजर उठाकर देखूंगी तो मुझे तुम दिखाई दोगे। दिव्या चल, क्या सोच रही हो? मैं रामाचारी की हूँ। हाँ? तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। नहीं माँ, जो कुछ अब तक किया वो गलत था। आज मुझे मत रोको। दिव्या, सुधा, अशोक, दिव्या, सर जी आपको आपकी मार्गरेट मिल गई थी, उसके बावजूद आप साथ नहीं जी सके। मुझे मेरी मार्गरेट नहीं मिली तो मैं कैसे जीऊंगा? रामाचारी, रामाचारी, रामाचारी,
मार्गरेट, मार्गरेट, चले जाओ तो चले जाओगे, भूल जाओ कहूंगी तो भूल जाओगे। तुमने गीता से शादी नहीं की तो आकर मुझे भी क्यों नहीं रोका? मैं तुम्हें नहीं पहचानता क्या? अगर मैं तुम पर और जोर लगाता तो गुस्से में तुम सच में उससे शादी कर लेती। वो सब तो ठीक है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? दुखी होने पर रामचारी कहाँ मिलेगा ये इस मार्केट को नहीं पता चलेगा। अब आगे क्या करना है मार्गरेट? डर तो था कि तुम मिस हो जाओगी, लेकिन मिसेस बन गई। अरे यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? ये हिचकी पानी से नहीं जाने वाली, उससे हाँ।